हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा शेख फ्रॉम blogtour.com और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं जो होगा बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली, सुपर प्रोफेशनल, सुपर ऑसम। और इस वीडियो में हम जो भी करेंगे इसके लिए कोई भी एक्सपर्टीज़ की, कोई भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि HTML, CSS जैसे बेसिक लैंग्वेजेस भी अगर आपको नहीं आते हैं तो भी आप ये वेबसाइट बना सकते हैं मेरे साथ। इनफैक्ट एक 10 साल का बच्चा भी ये वेबसाइट बना सकता है। और ये वेबसाइट के लिए हम एक फ्री थीम और फ्री प्लगइन्स का यूज़ करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्डप्रेस का इस्तेमाल करेंगे। वर्डप्रेस क्या होता है ये हम आगे चल के देखेंगे, बट बेसिकली मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि वर्डप्रेस आज के ज़माने का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिसने वेबसाइट बनाने के नज़रिए को टोटली चेंज कर दिया है। इसके लिए आपको कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बस कंप्यूटर चलाने आता है, मतलब आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। इनफैक्ट एक 10 साल का बच्चा भी वेबसाइट बना सकता है। और ये वेबसाइट वैसे नहीं होंगे जैसे पहले बना करते थे 1990s में या फिर 2000s में, जिसमें सिर्फ HTML और CSS यूज़ करते थे। ये वेबसाइट एकदम ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बहुत ही खूबसूरत होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये वह वेबसाइट है। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ बहुत सारे एनिमेशंस है, डिफरेंट कलर्स है ना, आपको हर चीज़ दिख रहे हैं यहाँ पर। हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बनाएंगे और ये सब कुछ मैं आपको फ्री में बनाना सिखाऊंगा। और ये वेबसाइट बनाने अगर आप जाएंगे मार्केट में, किसी डेवलपर को हायर करेंगे, तो कम से कम आपको 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बट यहाँ पर आप हर कुछ फ्री में कर सकते हैं। तो ये हमारा होम पेज है। पहले एक होम पेज देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट सेक्शन एक फुल विथ इमेज होता है, उस पर एक टाइटल, सब टाइटल और कुछ कॉल टू एक्शंस बटन होते हैं। तो हमारा नया सेक्शन है, और या हमारा दूसरा सेक्शन है फीचर सेक्शन। इसमें आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ फीचर्स बता सकते हैं। हमने 3 फीचर्स ऐड किए हैं यहाँ पर। डिफरेंट आइकन्स है, डिफरेंट कलर्स दिए हैं, आप कोई भी आइकन चूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। थर्ड हमारा है हु वी आर नाउ सेक्शन। इसमें बेसिकली आप एक बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी कंपनी के बारे में या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में। और यहाँ पर एक ऑफ इमेज को ऐड कर सकते हैं और एक बैकग्राउंड इमेज भी हमने ऐड किया है खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ये है हमारा मीट आर टीम सेक्शन। सो बेसिकली अगर आप एक एज अ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं तो आप अपने CEO, मार्केटिंग मैनेजर, whatever जो भी है, आप सबको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने इसे बनाया है। एज यू कैन सी यहाँ इसके कॉर्नर्स राउंडेड है, हमने इसको बहुत ही लाइट शेडो दिया है। वो आपको शायद अभी नहीं समझ में आए अगर आप एक फ्रेशर है तो, बट डोंट वरी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करती है आपके वेबसाइट्स पे। हम इनके सोशल आइकन्स डालेंगे, टाइटल, इनके डेजिग्नेशन और इनके बारे में थोड़ा सा डालेंगे ना। उसके बाद हमारा क्लाइंट सेक्शन और या फिर आप इसे टेस्टिमोनियल सेक्शन कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कोई भी वेबसाइट के लिए, कोई भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ यहाँ एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड बंदा आपकी कंपनी के बारे में राय बताता है और बताता है कि क्यों खुश है, कितना खुश है वो आपके वेबसाइट से। और अगर बड़े बंदे और बड़े लोग आपके वेबसाइट पर टेस्टिमोनियल देने के लिए तैयार हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपके बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकती है। और हमारा आखिरी सेक्शन है इस पेज का, ये होम पेज है हमारा, हम और भी पेजेस देखेंगे। ये हमारा आखिरी सेक्शन है जिसको हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, गेट इन टच और कॉन्टैक्ट अस। इसमें आप अपने एड्रेस को, अपने फ़ोन नंबर को डाल सकते हैं और जो बंदा आपको सामने से कॉल नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि आप उसे कॉल करें, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकता है। इसको फिल करने से उसकी डिटेल्स आपके वेबसाइट पर या फिर आपके ईमेल एड्रेस पर आ जाएंगे, आप वहाँ से इसको कॉल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा होम पेज था। चलिए अभी हमारा अबाउट अस पेज देखते हैं। ये हमारा अबाउट अस पेज है। बेसिकली इस जैसा नाम से पता चलता है अबाउट अस, इसमें आप अपनी कंपनी के या फिर अपने बारे में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। सो इसमें भी हमने टॉप हेडर पे एक आइकन डाला है, एक लोगो डाला है, एक टाइटल है, बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत इमेज है। फिर हमने कुछ फीचर्स यहाँ भी डाले हैं, टेक नोट्स एंड रिमाइंडर्स, यहाँ भी एक बैकग्राउंड इमेज है। फिर यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स यानी आपके टीम मेंबर्स के बारे में है, एक फुल विथ इमेज, लोगो और कुछ टेक्स्ट हैं। यहाँ आपके क्लाइंट्स के बारे में है जिनके साथ आप काम करते हैं या फिर आप काम कर चुके हैं। ओके, तो ये हमारा अबाउट अस पेज था। चलिए हमारे सर्विसेज पेज को देखते हैं।
ये हमारा सर्विसेज पेज है, बहुत ही खूबसूरत पेज है। हमने टॉप पे एक फुल विथ इमेज, हर जगह हमने ये रूल अप्लाई किया है, टॉप पे एक फुल विथ इमेज दिया है, उससे वेबसाइट को एक अलग ही खूबसूरती मिलती है। और आप इतने में ही समझ गएंगे कि जो हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं कोई साधारण कोई आम वेबसाइट नहीं है, बहुत ही ऑसम है। चलिए इसका नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर आपका मेन सेक्शन है आवर सर्विसेज, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने पैकिंग, मूविंग, स्टोरेज का दिया है। आपकी क्या क्या एक्सपर्टीज़ है, फास्ट डिलीवरी, आइटम इंस्पेक्शन, बॉक्सिंग सर्विस। हम डिफरेंट लोगोस यूज़ किए हैं थ्रू आउट द वेबसाइट और आप इस लोगो के कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके साइज़ को, हर चीज़ चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपका लास्ट सेक्शन है जिसमें आपने जिस जिस कंपनी के साथ काम किया है उसका एक कैरोसेल है, यानी एक स्लाइडर है। ओके, चलिए हमारा लास्ट पेज देखते हैं जो हम इस वेबसाइट में बनाएंगे, जो है कॉन्टैक्ट अस पेज। ओके, सो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है। यहाँ आपके टॉप पे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपके एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। और यहाँ पर फिर से हमने होम पेज का सेक्शन लाया है। सो ये इस सेक्शन को हमने दो बार यूज़ किया है और आपको दो बार इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं इस वेबसाइट में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लेआउट्स का यूज़ करके एक वेबसाइट बना सकते हैं। और लेआउट्स का यूज़ करके इनफैक्ट आप कोई भी अच्छे से अच्छा वेबसाइट 5 से 10 मिनट में बना सकते हैं। सो अगर आप एक फ्रीलांसर है, एक वेब डेवलपर है, तो आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके स्पीड में एक अलग ही स्पीड आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हमारा मैप है, यहाँ पर आप अपना मैप डाल सकते हैं, आपका एड्रेस यहाँ पर शो करेगा और लास्ट में कुछ सोशल आइकन्स है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वेबसाइट पसंद आया होगा और आप लोग ये देखना चाहते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना आसान है ये बनाना। ओके, सपोज़ आप इस वेबसाइट पे, इस पेज पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो ऊपर टॉप पे एक बटन है जो बोलता है विच सेज एडिट विद एलिमेंटर, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको लेफ़्ट साइड में एक अलग सेक्शन दिखाई देगा और यही सेक्शन का यूज़ करके हम अपना वेबसाइट बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है, तो आप इस टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और लेफ़्ट साइड पे जहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो अपने कंप्यूटर पे देखें, फुल स्क्रीन पे और HD क्वालिटी में देखें, ताकि आपको बेहतरीन से समझ में आए और आप कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। सो जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया लेफ़्ट साइड में, उसके तमाम ऑप्शंस आ गए। फर्स्ट कॉन्टैक्ट अस है, अभी मुझे ये चेंज करना है, मुझे अपना नाम लिखना है यहाँ पर, तो मैं टाइप करूँगा अपना नाम। जैसे आप देख सकते हैं इतनी आसानी से हमने इसे चेंज कर दिया। चलिए अभी एक लोगो चेंज करके देखते हैं। सपोज़ मुझे ये होम लोगो चेंज करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऑप्शंस बदल जाएंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर आपका लोगो है, होम सेलेक्टेड है, मैं होम की जगह एड्रेस बुक डालना चाहता हूँ, तो मैं एड्रेस बुक सेलेक्ट करूँगा और एज यू कैन सी एड्रेस बुक आ चुका है यहाँ पर। और कलर चेंज करना भी बहुत आसान है, स्टाइल पर जाइए, कलर सेलेक्ट कीजिए, कोई भी कलर डालिए और आपका वो कलर यहाँ पर दिखाई देगा। सो इसी से आप समझ गए होंगे कि कितना आसान है ये वेबसाइट बनाना, बहुत ही आसान है, एक 10 साल का बच्चा भी बना सकता है जैसे मैंने आपको बताया। तो बहुत हो गई बातचीत, अभी चलिए काम पे लगते हैं और वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, जैसे कि फ़्लिपकार्ट की जैसा वीडियो जिसे ई कॉमर्स वीडियो बोलते हैं वो भी बनाने वाला हूँ। बिकॉज़ वो सब वीडियोस अगर आप देखेंगे, मेरा एक इंग्लिश चैनल है, उस पर मैंने तमाम वीडियोस बना चुका हूँ। और अगर आप हिंदी में भी ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, चलिए अभी वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम एक फ्री थीम यूज़ करेंगे, वर्डप्रेस यूज़ करेंगे जो वो भी फ्री है, और पेज बिल्डर यूज़ करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटोर, वो भी फ्री है। सिर्फ एक खर्चा आपको उठाना है और वो है होस्टिंग का, और बिना उसके गाड़ी नहीं आगे बढ़ सकती, बिकॉज़ वो हमें ख़रीदना ही है किसी भी हालत में, चाहे किसी भी टाइप का आप वेबसाइट बनाए, चाहे ई कॉमर्स बनाइए, बिजनेस वेबसाइट बनाइए, सोशल नेटवर्क वेबसाइट बनाइए, किसी भी टाइप का वेबसाइट बनाइए, बट आप फिकर ना करें, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सस्ते और सबसे अच्छे होस्टिंग प्लान्स कहाँ मिलेंगे, होस्टिंग अकाउंट्स कहाँ मिलेंगे, और मैं आपकी मदद करूँगा जिससे आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया विंडो खोलिए, एक नया टैब खोलिए और उसमें टाइप कीजिए blogdoot.com/hostgator और प्रेस एंटर प्रेस कर दीजिए।
जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपको ये पेज, आप ये पेज पे आ जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अगर आप डायरेक्ट hostgator.com टाइप करेंगे तो वो आपको hostgator.in पे ले जाएगा, बिकॉज़ आप इंडिया से हैं। तो वो रेकमेंडेड नहीं है बिकॉज़ hostgator.in उतना कुछ खास नहीं है। hostgator.com भले ही सेम कंपनी है बट .com US में सिचुएटेड है, इसके सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। सो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप blogto.com/hostgator टाइप करें ताकि आप डायरेक्ट ये पेज पे आ जाए और आपको ढूंढना ना पड़े कि ये पेज है कहाँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट प्लान्स है। इनमें एक बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें आप सिंगल डोमेन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अनलिमिटेड डोमेन होस्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जैसे हम ये वेबसाइट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसका नाम हमने दे दिया blogdude.com। सो मैं अगर हैचलिंग प्लान यूज़ करता हूँ तो मैं सिर्फ blogdude.com को ही बना सकता हूँ इससे, और कल को अगर मुझे दूसरा वेबसाइट बनाना हुआ तो मुझे फिर से ये ख़रीदना पड़ेगा। बल्कि अगर आप बेबी प्लान और बिजनेस प्लान यूज़ करेंगे तो आप अनलिमिटेड डोमेन होस्ट कर सकते हैं, यानी अगर आपने एक ही प्लान बनाया उससे आप 100 या 1000 वेबसाइट्स बना सकते हैं और सिंगल होस्टिंग पे डाल सकते हैं। जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो यही करते हैं, आपसे हर साल का कुछ रेंट और कुछ पैसे ले लेते हैं, और हम भी यही वही करते हैं ऑब्वियसली बिकॉज़ हम भी वेब डेवलपर हैं। सो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, या तो बेबी प्लान परचेस करिए या तो बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान की आपको खास ज़रूरत नहीं है, उतने पैसे मत खर्चा कीजिए, बेबी प्लान के साथ ही जाइए। बिजनेस प्लान बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होता है, अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वरना बेबी प्लान सबसे परफेक्ट है आपकी वेबसाइट के लिए। सो क्लिक साइन अप नाउ का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। अभी आप इस पेज पे होंगे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। सबसे पहले आपको अपना डोमेन डालना है। डोमेन बेसिकली आपका वेब एड्रेस है, फॉर एग्जांपल youtube.com एक डोमेन है, google.com एक डोमेन है, blogdude.com एक डोमेन है, nayashek.com एक डोमेन है। जो भी आपका कंपनी है आप उस हिसाब से नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज़ मुझे चाहिए nayashek1.com, या फिर मुझे .com की जगह .online, .in। बेसिकली अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो आप .in चाहेंगे, .website, .tech। मैं आपको रिकमेंड करूँगा .com के साथ ही रहिए, वो बहुत ही यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। जब आप ये करेंगे तो आपको और भी कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे यहाँ पर, .club, .site। अगर आपको 2-3 चाहिए तो आप सब पे टिक कर सकते हैं। हमारा एक हमने सेलेक्ट कर लिया है जिसके सामने एडिट प्राइमरी दिखा रहा है, nayashek1.com। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका होस्टिंग प्लान चूज़ करने का। हमने बेबी प्लान पहले ही चूज़ कर लिया है और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, 1 महीने, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। सो अगर आप 6 मंथ सेलेक्ट करते हैं तो हर 6 महीने पे आपको पेमेंट करना होगा। अगर 12 मंथ सेलेक्ट करते हैं तो हर 12 महीने पे आपको पेमेंट करना होगा। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि जितना हाइएस्ट आपसे हो सके उतना हाइएस्ट सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज ये टाइम पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अगर आप 3 साल का सेलेक्ट करते हैं तो आपको 3 साल के लिए 60% ऑफ मिलेगा, 60% डिस्काउंट मिलेगा। बट अगर आप सिर्फ 1 साल सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ 1 साल के लिए, और अगले साल आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा पे जाइए, आपकी मर्ज़ी। अगर आपका बजट कम है तो आप 12 महीनों के साथ यानी पर ईयर के हिसाब से भी जा सकते हैं, आपको वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। मैं 36 मंथ सेलेक्ट करता हूँ, ओके। और अब भी आप देख सकते हैं 36 मंथ्स पे आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पे हाईएस्ट डिस्काउंट कैसे पाया जाता है। अभी यहाँ पर कोई भी यूज़र नेम टाइप कर सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल मैं नैयर टाइप कर सकता हूँ, ओके। सो और उसके बाद एक सिक्योरिटी पिन, ये कुछ खास इसमें बस कोई भी 4 नंबर डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके, 4 से 8 डिजिट का नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अपने बिलिंग डिटेल्स फिल कीजिए, जैसे कि आपके ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, जो भी है, स्टेट, सिटी, कोई भी सिटी से आप जो जहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको अपने पेमेंट डिटेल्स डालना है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बेसिकली आपका एटीएम कार्ड होता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है। सो आप अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कीजिए और अपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट डिटेल्स यहाँ भरिए। अगर आप पेपैल से पेमेंट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। पेपैल इंडिया में काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते हैं बट बहुत ही यूज़फुल है, मैं तो यूज़ करता हूँ। तो अगर आप पेपैल से यूज़ कर पेमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं।
ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से यानी एटीएम कार्ड से करेंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ क्लिक करें और अपनी डिटेल्स भरें। उसके बाद है एडिशनल सर्विसेज। हमें ये सब अभी कुछ भी नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अपना खर्चा बचाना है। ओके, सो एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे 3 साल का आपको $214 यानी $214 खर्चा होगा 40% डिस्काउंट के साथ। ओके, और हमारे हमें अभी टोटल $144 का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेप है कूपन कोड का, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए नयर NAYAR 60। ओके, और उसके बाद वैलिडेट को क्लिक कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं 144 की जगह आपको 229 का डिस्काउंट मिला। और चलिए ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 की जगह 60 हो गया, यानी 60% का डिस्काउंट। ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है, होस्टगेटर इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देता है। सो ये हाईएस्ट डिस्काउंट है जो मैंने आपके लिए डाला हूँ ताकि आपका हेल्प हो सके इससे। ओके, ये सब करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आई हैव रेड एंड अग्री टू टर्म्स एंड सर्विसेज। आप इनके टर्म्स एंड सर्विसेज, कैंसिलेशन पॉलिसी जो भी है सब पढ़ सकते हैं इन पर क्लिक करके, और फाइनली चेकआउट नाउ बटन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप उस चेकआउट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे आपको होस्टगेटर की तरफ से एक ईमेल मिलेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईमेल है, इसे ज़रूर ज़रूर सेव कर लीजिए बिकॉज इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, खास करके आपके यूज़र नेम और पासवर्ड्स, आपके नेम सर्वर्स, आपके सर्वर आईडी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम आने वाली चीज़ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी यहाँ तक हमने डोमेन नेम और होस्टिंग अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारे उस डोमेन नेम पे हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। ओके, सो उसके लिए आपको यहाँ पर एक लिंक दिखेगा, योर कंट्रोल पैनल लिंक। उस लिंक को न्यू टैब में ओपन कीजिए। उसके लिए आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ओपन लिंक इन न्यू टैब। ओके, सो आपका कंट्रोल पैनल खुलेगा। यहाँ से आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ओके, सो ये आपका सी पैनल है। सी पैनल बेसिकली कोई भी होस्टिंग कंपनी का ऑलमोस्ट सेम रहता है, सब सेम ऑप्शंस होते हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको नीचे जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है और खेल देखने दीजिए मुझे। यहाँ पर आपको अंडर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर्स में आप जाइएगा तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा क्विक इंस्टॉल का, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से अभी आपको सेलेक्ट करना है वर्डप्रेस। ओके, जैसे ही आप वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे आपको ये विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। बेसिकली अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और अगर आप पहली बार ये सब कर रहे हैं तो आपके अंडर में एक ही डोमेन नेम होगा, बट मैंने पता नहीं कितने वेबसाइट्स बनाए हैं तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, सो मैं अपना वाला सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ मेक श्योर डायरेक्टरी में आप कुछ भी टाइप ना करें, इसे एम्प्टी रहने दें। और जब ये एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, कुछ भी टाइप नहीं रहेगा तो डायरेक्टरी लिखा हुआ दिखाएगा। ओके, अगर आप ये वीडियो, मतलब अभी तो मैं 2017 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप 2020 में या फिर बाद में देख रहे हैं तो कुछ चेंजेस डिज़ाइन में हो सकते हैं, सो घबराइएगा नहीं। ओके, सो यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए, मेक श्योर कि ये एम्प्टी है, कुछ भी टाइप नहीं है और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पर अपने आपको अपने ब्लॉग को कोई टाइटल देना है, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, आपके कंपनी का नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी का नाम ब्लॉग डूड है तो मैं ब्लॉग डूड डाल रहा हूँ। यहाँ पर अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कीजिए, यूज़र नेम अपना सिर्फ नाम मत डालिए, कोशिश कीजिए कि आप उसमें कुछ नंबर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ ऑफ हैश ये सब कुछ इंक्लूड कर सके, ताकि वो हैकिंग, मतलब किसी के लिए भी आसान ना हो कि वो आपके डैशबोर्ड पे जा सके। बट मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा डालूँगा बिकॉज ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए है। यहाँ अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप कीजिए। अभी अपना ईमेल एड्रेस डालिए, आपका वो ईमेल एड्रेस डालिए जो आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी जिसको लॉग इन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, जब जिस पे कभी भी मेल आए तो आपको रिसीव हो सकता है, बिकॉज इस पे बहुत इंपॉर्टेंट मेल्स आएंगे आपके वेबसाइट से रिलेटेड। जब आप ये सब कर लेंगे तो इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए।
अभी आपके वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, आप प्रोग्रेस देख सकते हैं, 60% प्रोग्रेस हो चुका है, बट उससे पहले ही हमें अपना लॉगिन डिटेल्स मिल गया है। ओके, सो वर्डप्रेस को इंस्टॉल होने में फर्स्ट टाइम अगर आपका फर्स्ट वेबसाइट है तो थोड़ा टाइम कभी कभी लग जाता है। सो और आपके डोमेन को भी रिप्लेस होने में यानी इंस्टॉल होने में कभी कभी 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। सो अगर आपका डोमेन एक्टिव नहीं है तो घबराइए मत, इंतज़ार कीजिए। ओके, फॉलो कीजिए सिर्फ ट्यूटोरियल्स और आप बाद में भी वो सब कर सकते हैं। अभी अपने इस लिंक को, जो भी आपने अपना वेबसाइट का URL सेलेक्ट किया है, उसे नए विंडो में नए टैब पे ओपन कीजिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह आपका वेबसाइट नज़र आएगा अगर आप 2017 में क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम है 2017 का। हर साल वर्डप्रेस अपना डिफ़ॉल्ट थीम चेंज करता है, तो अगर आप 2018 में देख रहे हैं तो ये डिफ़ॉल्ट थीम टोटली चेंज होगा, आपको अलग ही कुछ दिखेगा यहाँ पर। ओके, सो यहाँ से आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आप अपने URL बार पे जाइए और अपने वेबसाइट के नाम के आगे ur.com के आगे अभी जो मैं बोल रहा हूँ टाइप कीजिए स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश है, wp-admin। ओके, सो मेक श्योर आप ये टाइप करेंगे आपका वेबसाइट नेम स्लैश wp-admin और एंटर मारिए। इससे आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे जहाँ से आप अपने वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने लॉगिन डिटेल्स डालने हैं, तो आप फिर से यहाँ पर आकर अपना लॉगिन और पासवर्ड कॉपी कीजिए, यहाँ पर अपना लॉगिन ID डालिए, यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट कीजिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ये आपका डैशबोर्ड है, यहीं से आप अपने वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे, इस पर क्लिक कर सकते हैं। आई डोंट नीड हेल्प बिकॉज मैं आपके साथ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, सो कोई भी वेबसाइट, कोई भी वर्डप्रेस का अगर आप फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे किसी भी वेबसाइट के लिए हो, और अगर आप होस्टगेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ सेटिंग्स है जो आपको सबसे पहले करने होते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये पासवर्ड मिला है। अभी आपको ये पासवर्ड तो याद होने वाला नहीं है, किसी भी इंसान को मुश्किल है याद होना ऐसा पासवर्ड, इतना टफ पासवर्ड। तो हमें सबसे पहले ऐसा पासवर्ड रखना है जो हमें याद रहे। सो उसके लिए आपको राइट साइड, टॉप राइट साइड पे ये दिखेगा हाउडी नैयर, हाउडी आपका नाम बोलेगा ये। ओके, सो वहाँ पर हावर कीजिए, हावर यानी अपना माउस वहाँ पर लेके जाइए, अपने कर्सर को वहाँ पर कीजिए और एडिट माय प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। अभी नीचे स्क्रॉल कीजिए बॉटम पे और सबसे लास्ट में आपको अंडर अकाउंट मैनेजमेंट ये दिखेगा न्यू पासवर्ड। सो जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, फिर से एक भद्दा सा पासवर्ड आपको मिलेगा, बट हमें ये पासवर्ड भी नहीं चाहिए, हमें अपना पासवर्ड चाहिए। और यहाँ मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप एक ऐसा पासवर्ड रखिए जिसमें नंबर्स हो, कैपिटल लेटर्स हो, स्मॉल लेटर्स हो, यू नो, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हो, जैसे कि आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये डॉलर साइन, ये सब देख रहे हैं, ऐसा कुछ पासवर्ड रखिए ताकि वो डिफ़िकल्ट हो किसी के लिए भी गेस करना। ओके, बट बिकॉज ये ट्यूटोरियल पर्पस के लिए है, मैं एक सिंपल सा पासवर्ड रखूँगा। ओके, सो ये पासवर्ड है, अभी आप क्लिक ऑन अपलोड प्रोफाइल। ठीक है, अभी आप ये सब मैसेजेस को कट कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसा लगता है। सो आप यहाँ पर हावर कीजिए, आपका राइट क्लिक कीजिए और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब कीजिए। सो अभी आप देख सकते हैं फिर से वैसे ही लग रहा है हमारा वेबसाइट, और हमें हमारे वेबसाइट को ऐसा बनाना है, इतना खूबसूरत, और ये सब चीज़ें ऐड करनी है। सो इसके लिए एक थीम की ज़रूरत होती है, जो बेसिकली आप बोल सकते हैं डिज़ाइन है आपके वेबसाइट का। ओके, सो आप फिर से अपने डैशबोर्ड पर आइए, और इनफैक्ट आप एक काम कर सकते हैं, दो तरीके हैं। ओके, सबसे मैं आपको सबसे आसान तरीका दिखाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं सब ऑप्शंस है, डिफरेंट ऑप्शंस, आपको मैं जो जो ऑप्शंस बताता रहूंगा आप उस पर क्लिक करते रहिए। सबसे पहले हमें ये अपीयरेंस ऑप्शन पे जाना है। आप इस जैसे आप अपना माउस इस अपीयरेंस ऑप्शन पे जाएंगे, कुछ ऑप्शंस आएंगे आपको, सो आप उसमें से थीम को सिलेक्ट कीजिए, थीम्स को। ओके, यहाँ पर आपके वेबसाइट में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से कुछ थीम्स जो वर्डप्रेस की तरफ से होते हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसा मैंने बोला, हर साल वर्डप्रेस एक थीम बनाता है, इस साल 2017 थीम था, लास्ट ईयर 2016, ये सब थीम बहुत ही भद्दे होते हैं भाई। सो इसे कभी यूज़ मत करो अपना वेबसाइट बनाने के लिए। सबसे पहला इन सब को हमें डिलीट करना है।
ताकि हमारे वेबसाइट फास्ट हो, स्मूथ हो, ये सब एक्स्ट्रा स्पेसेस ना ले। ओके, अभी हमें एक नया थीम जो कि बहुत ही ऑसम थीम है उसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू थीम पे। ओके, और यहाँ पर ऐड न्यू थीम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर wordpress.org थीम्स का ऑप्शन आ रहा है, सो आप उस पर क्लिक कीजिए। अभी आप जाइए पॉपुलर पे, हमें सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा डाउनलोड, सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ थीम चाहिए, बिकॉज जो पॉपुलर रहेगा देर आर हाई चांसेस कि वो अच्छा भी होगा। अभी आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर हमें ये थीम यूज़ करना है, हेस्टिया थीम। अगर आप बाद में देख रहे हैं शायद उस टाइम तक ये थीम उतना पॉपुलर ना रहे, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं HESTIA। ओके, सो आपको ये थीम मिल जाएगा। अभी आपको इंस्टॉल करना है इसे और उसके बाद एक्टिवेट करना है। ओके, अभी हमने ये थीम एक्टिवेट कर दिया तो हमें पिछले थीम की भी ज़रूरत नहीं है, सो आप उसे भी डिलीट कर सकते हैं, उसे भी क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ओके, जब हमने नया थीम एक्टिवेट कर लिया है तो चलिए फिर से अपने वेबसाइट पे जाते हैं, उसे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं अब पहले से बेहतर लग रहा है, बट स्टिल हमें ऐसा वेबसाइट चाहिए और ये अभी भी वैसा नहीं है। ओके, सो अभी हमें इसे उसमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पेज बनाएंगे और उससे भी पहले ये थीम कुछ इस थीम के साथ आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी चाहिए जो सब फ्री है, आप बेफिक्र रहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे अंडर अपीयरेंसेस आपको अबाउट हेस्टिया मिलेगा, क्लिक कीजिए उस पर। ओके, यहाँ पर रेकमेंडेड एक्शंस दिखा रहे हैं 2। यहाँ पर हमें ये दो चीज़ें इंस्टॉल और एक्टिवेट करनी है, तो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, सो ये इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रहे हैं अपने आप। अभी एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए। फाइन, फिर से हमें वही करना है, अपीयरेंसेस पे जाइए और उसके बाद अबाउट हेस्टिया पे क्लिक कीजिए। अभी यूज़फुल प्लगइन्स पे जाइए, यूज़फुल प्लगइन्स, और उसमें हमें सबसे पहला वाला डाउनलोड करना है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है, जो है एलिमेंटर पेज बिल्डर। ये एक फ्री पेज बिल्डर है, आप इसे, इसका एक फ्री वर्जन भी है और प्रो वर्जन भी, यानी पेड वर्जन भी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेड वर्जन भी ख़रीद लें, बिकॉज मैं आगे बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ पेड वर्जन को लेके। मैं आपको लिंक्स दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप तमाम चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और पेड वर्जन, फ्री वर्जन तो है ही ज़बरदस्त, पेड वर्जन उससे भी ऑसम है ऑब्वियसली, बिकॉज जो फ्री इतना अच्छा है तो जब आप पे करेंगे उसके लिए तो और आपको और बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, अभी जैसा कि आप याद देख सकते हैं कुछ पेजेस है, होम पेज है, अबाउट अस पेज, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, तो हम ये कुछ पेजेस बनाने हैं। तो सबसे पहले हम होम पेज बनाएंगे, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में आप फिर से देखेंगे यहाँ पर है पेजेस। जैसे आप पेजेस को हावर करते हैं आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑल पेजेस, ऐड न्यू पेज। अभी हमारे पास कोई पेज नहीं है तो हम ऐड करेंगे, सो आप इस पे क्लिक कीजिए ऐड न्यू पेज पे। अभी यहाँ पर हमें पेज को कुछ टाइटल देना है, ये कुछ भी आप टाइटल दे सकते हैं, जैसा कि हम इसे टाइटल देंगे होम पेज, ठीक है। और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नहीं सेलेक्ट करना है, आपको पेज बिल्डर फुल विथ सेलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर एक टाइटल दे दीजिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में देखेंगे, इनफैक्ट ये सब चीज़ें आजकल यूज़ नहीं होती है। जब मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था, इंग्लिश वीडियो जो तकरीबन कुछ साल पहले था, तब हम ये सब चीज़ें यूज़ किया करते थे, अब वो ज़माना गया। अभी मैं आपको बताता हूँ अभी के टाइम पे और फ्यूचर में कैसे वेबसाइट्स बनेंगे। ओके, सो टाइटल दीजिए, यहाँ से पेज बिल्डर फुल विथ सेलेक्ट कीजिए और इसे पब्लिश कर दीजिए। और अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है थोड़ी बहुत भी, तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो बहुत ही यूज़फुल है, आप उस पर बहुत कुछ सीखेंगे। इनफैक्ट ये वीडियो मैंने पहले ही इंग्लिश में बना चुका हूँ, बट इतना हाई डिमांड है बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा इंडियंस है उस चैनल पे भी, तो सब बोलते भाई इंडिया में रह के इंग्लिश में वीडियोस बनाते हो, हमारा भी ख्याल रखो। सो मैंने बोला यार टाइम निकाल के इनके लिए भी कुछ बना दिया जाए, सो ये बना रहा हूँ आपकी मदद के लिए। ओके, सो अभी फिर से हम चलिए इस पर रिफ्रेश करते हैं हमारे वेबसाइट को।
तो आप देखेंगे इस पे कुछ चेंजेस नहीं आए, जबकि कुछ चेंजेस तो आने चाहिए थे, बिकॉज हमने एक होम पेज बनाया बट सब सेम है। ओके तो और ये होम पेज हमारा यहाँ है। अभी हम क्या करते हैं, इस होम पेज को एक नए विंडो में ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा पेज री पब्लिश्ड, उसके आगे एक लिंक है व्यू पेज, उसे ओपन कीजिए एक नए टैब में। ओके सो ये हमारा होम पेज है। तो हमें ये चीज़ चाहिए यहाँ, कोई भी हमारे वेबसाइट पर आए तो डायरेक्ट ये पेज पे आए। ओके सो वो हो रहा नहीं है यहाँ पर, तो हमें वो करना है। सो उसके लिए फिर से डैशबोर्ड पे जाइए। अगर आपको डैशबोर्ड पे जाना है तो यहाँ पर हावर कीजिए और डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिए, और नहीं तो wp-admin पे जाएंगे तो आपको आपका डैशबोर्ड मिल जाएगा। सो चलिए अभी हम उस होम पेज को अपना ऑफिशियल होम पेज बनाते हैं। सो उसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे हावर कीजिए और रीडिंग को सेलेक्ट कीजिए। ओके एट प्रेजेंट योर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्टेड होगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। और स्टैटिक पेज, फ्रंट पेज पे आपको जो होम पेज अभी हमने बनाया है उसे सेलेक्ट करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। चलिए अभी फिर से हमारे वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आए। ओके सो अभी सही है, अभी हमारा वो पेज होम पेज बन चुका है, बट इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए इस पेज को एडिट करना और इसमें ऐड करना, डेटा ऐड करना सब शुरू करते हैं। सो एडिट पेज पे क्लिक कीजिए। ओके अभी क्लिक कीजिए एडिट विथ एलिमेंटोर पे, बिकॉज ये पेज बिल्डर हम यूज़ करने वाले हैं और इसी के थ्रू हम अपना वेबसाइट बनाएंगे, एडिट करेंगे। अभी यस पे क्लिक कर दीजिए अगर आपको ये ऑप्शन आया है तो। चलिए अभी हमारा डेमो वेबसाइट देखते हैं। तो ये हमारा डेमो वेबसाइट है और जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सेक्शन ये है, फुल विथ इमेज, टाइटल, सबटाइटल और कॉल टू एक्शन बटन्स के साथ। तो चलिए हमारा पहला सेक्शन बनाना शुरू करते हैं, और यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही आसान है। तो उसके लिए पहले आपको ये इमेजेस भी चाहिए रहेंगे, तो मैं आपको इमेजेस भी फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी इमेजेस मैंने यूज़ किया हूँ अपने वेबसाइट में, मैं सभी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके लिए आपको मेरे वेबसाइट पर जाना है blogtoo.com। इनफैक्ट ये लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे डालूंगा। ओके और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वीडियो पहले ही बना चुका हूँ इंग्लिश में, उसका ये लिंक है हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग एलिमेंटर एंड हेस्टिया 3। ओके सो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और ये वो वीडियो है जो इंग्लिश में पहले ही अपलोड हो चुका है, कल ही, इनफैक्ट आज ही मैंने अपलोड किया है, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हिंदी। ओके यहाँ पर आपको होस्ट गेटर का भी लिंक, जो भी थीम का लिंक, अगर आपको थीम वहाँ पर नहीं मिला तो आपको ये थीम लिंक से भी आप वो थीम डाउनलोड कर सकते हैं। एलिमेंट और प्लगइन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर है इमेजेस, तो आप इमेजेस भी डाउनलोड कर लीजिए और फ्री लेआउट्स भी डाउनलोड कर लीजिए। लेआउट्स का तो इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, बट आप उसे अभी डाउनलोड कर लीजिए। ओके तो बिकॉज आपको बार बार वो डाउनलोड करने की और बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए आते हैं हम फिर से हमारे वेबसाइट पर। सो ऐसा आपको दिखेगा, और ये लेफ्ट साइड में जो भी आपको सेक्शंस दिख रहे हैं इसे ही यूज़ करके हम पूरा वेबसाइट बना सकते हैं। ओके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट। सो आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। ओके सो सबसे पहला सेक्शन, जैसा कि मैंने बोला कि आपका है एक फुल विथ इमेज, उस पर टाइटल सब टाइटल है। सो सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट यूज़ करना होगा, तो उसके लिए आपको ये हेडिंग दिखेगा जिस पे टी लिखा हुआ है, आप उस पे क्लिक कीजिए और उसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आइए। ओके और यहाँ छोड़ दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं एक नया सेक्शन ऐड हो गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग एलिमेंट। सो हम पहले हेडिंग एलिमेंट ये सबको चेंज करने से पहले, सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड इमेज ऐड कर देते हैं इस पे। ओके सो जैसे ही आप अपना कर्सर इस पे लेके जाएंगे, यानी इस पे हावर करेंगे, तो आपको ये ब्लू ऑप्शन मिलेंगे। ओके सो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप इसे कॉपी कर सकते हैं, एक नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं प्लस बटन पे, इसको सेव कर सकते हैं, और इसको करने एक्स दबाने से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सो हमें वो सब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इस पर क्लिक करना है ये ब्लू सेक्शन पर। और जैसे ही हम वो करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। अभी हमें ये ऑप्शंस, ये सेक्शन के ऑप्शंस मिले हैं, अभी हमें ये सेक्शन पे क्या क्या चेंजेस करना है हमें वो सेलेक्ट करना है। ओके सो जैसा कि मैंने बताया बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है, सो उसके लिए स्टाइल पे जाइए। यहाँ तीन ऑप्शंस है, लेआउट, स्टाइल, एडवांस्ड। सो स्टाइल पे जाइए, यहाँ पहला ऑप्शन ही बैकग्राउंड का है,
और यहाँ पर तीन डिफरेंट ऑप्शन है, बैकग्राउंड वीडियो, ग्रेडियंट और क्लासिक। सो बेसिकली आप यहाँ पर बैकग्राउंड वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम एक इमेज यूज़ करने वाले हैं तो आप क्लासिक पे जाइए। आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कलर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, कोई भी कलर सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीन, जैसे मैंने सेलेक्ट किया बैकग्राउंड ग्रीन हो गया, बट मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं क्लियर पे क्लिक कर दूंगा और वो कलर चला जाएगा। और मुझे इमेज चाहिए तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगा, ओके अपलोड इमेज करूँगा। सो सेलेक्ट फाइल्स, फाइल सेलेक्ट करना है अभी मुझे, ओके सो ये फाइल है। जैसा कि मैंने कहा आपको ये सब इमेजेस मिल जाएंगे फ्री में, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइल अपलोड होना शुरू हो गया है। थोड़ा बड़ा फाइल है बिकॉज सिर्फ HD फाइल है, आप देख सकते हैं इसका रेजोल्यूशन फुल HD है। अभी आप इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कीजिए, ओके अभी कुछ चेंजेस करने हैं हमें। फाइल तो यहाँ ऐड हो गया बट इतना छोटा सेक्शन दिखा रहा है, हमें ये फुल पेज पे चाहिए, ओके जैसा यहाँ एक फुल पेज पे। सो उसके लिए फिर से लेआउट पे आइए, ओके यहाँ पर आपको दिखेगा हाइट। सो डिफ़ॉल्ट है, हमें डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, हमें फिट टू स्क्रीन चाहिए। जैसे आप देखेंगे फिट टू स्क्रीन किए हमने, सब चेंजेस अपने आप हो गए, ये पूरे स्क्रीन पे फैल गया। अगर आपको पूरा वीडियो दिखना है तो आपको ये एरो बटन दिखेगा, लेफ्ट एरो, आप इसे क्लिक कीजिए और आप अपना पूरा वेबसाइट देख सकते हैं, ओके और फिर से चेंजेस एडिट करने के लिए राइट एरो पे आइए। और जब भी आप कोई चेंजेस करें, कोई भी छोटा चेंज बड़ा चेंज, इस सेव बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आपके जो भी चेंजेस है सब सेव हो जाए। और अगर गलती से भी कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्राउज़र क्लोज हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आपका चेंजेस फिर भी रहे जो भी आपने किया है, ओके आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और एस साथ में दबाएंगे तो भी चेंजेस हो जाएंगे और सेव हो जाएंगे चेंजेस, ओके अभी चलिए हम अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं। हमें टाइप करना है वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर और उसे वाइट कलर देना है, इतना खूबसूरत बनाना है, ओके सो फिर से यहाँ पर आइए, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइप है, दिस इज हेडिंग एलिमेंट जो यहाँ पर है, हमें वर्डप्रेस यानी एलिमेंट और चाहिए तो हमने वो टाइप कर दिया, ठीक है। साइज़ ये सब हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें इसे सेंटर अलाइन करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सब सेंटर में है, यहाँ पर ये लेफ्ट में है, सो यहाँ अलाइनमेंट में जाकर सेंटर पर क्लिक कीजिए। अब स्टाइल पर जाइए, स्टाइल में हम सब कुछ चेंज करेंगे टेक्स्ट के बारे में, चाहे उसका कलर हो, साइज़ हो, फॉन्ट हो, ओके सो सबसे पहले कलर चेंज करते हैं। कलर पर क्लिक कीजिए, यहाँ से वाइट सेलेक्ट कीजिए, वाइट हो गया है बट वो दिख रहा नहीं है बिकॉज ये लाइट बैकग्राउंड कलर है, हम सब सेटिंग कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ओके फिर से इस कलर पे क्लिक कीजिए, आप बैक हो जाएंगे। अभी टाइपोग्राफी ऑन कर दीजिए, टाइपोग्राफी ऑन करने से आप इसे इस फॉन्ट्स पे जो भी टाइप के चेंजेस करना चाहे आप कर सकते हैं। अभी साइज़ इंक्रीज़ कीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं सब साइजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है अब इतना बड़ा ठीक है, तो ये 76 पे है, 75 76। अभी आप फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं, एरियल, टाहोमा, वर्डाना, जो भी हेल्वेटिका, जो भी आपको चाहिए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने डेमो वेबसाइट में रोबोटो फॉन्ट यूज़ किया है, सो मैं यहाँ टाइप करूँगा रोबोटो ROBOTO, ओके और मैं वही फॉन्ट यहाँ भी यूज़ करने जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ही पतला है, यहाँ पर काफ़ी मोटा है, सो हम वेट में से डिफ़ॉल्ट पे वाई सेलेक्टेड रहेगा, हम इसे 600 कर देंगे, अब ये बेहतर लग रहा है। बट हमें इसे डार्क करना है बैकग्राउंड को, ठीक है बिकॉज आप देख सकते हैं मुझे लग रहा नहीं है कि आप ये टेक्स्ट को बराबर देख सकते हैं बिकॉज बैकग्राउंड बहुत ही लाइट है और उसके ऐसे वाइट टेक्स्ट इस पर अच्छा नहीं लग रहा है, ओके सो पहले तो हम इसे इस जितना भी चेंजेस किए सबको सेव कर देते हैं। अब चलिए हम अपने बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क बनाते हैं, तो जैसा हमने बैकग्राउंड चेंज किया उसी तरीके से सिंपल करना है, ओके फिर से आपको ये ब्लू सेक्शन पे क्लिक करना है ताकि आप सेक्शन पे कुछ एडिट कर सके। फिर से स्टाइल पे जाइए बिकॉज स्टाइल से ही हमने बैकग्राउंड चेंज किया था, यहाँ पर आपका बैकग्राउंड है। और थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये मिलेगा बैकग्राउंड ओवरले, उसे ओपन कीजिए, बैकग्राउंड टाइप पे क्लासिक सेलेक्ट कीजिए। अब कलर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कीजिए, देख सकते हैं आप जैसे ही मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया बैकग्राउंड अपने आप डार्क हो गया। आपको अगर इसे और डार्क बनाना है तो आप ओपेसिटी को इनक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आप फुल कर देंगे तो सब ब्लैक हो जाएगा जैसा आप देख सकते हैं। और आपको इसे थोड़ा लाइटर करना है, आप जितना लाइटर करना चाहे उतना कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.5 पे रहता है, सो मैं इसे 0.5 कर देता हूँ, ठीक है अभी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये,
सो ऐसे करते हैं, बहुत इजी है, फिर से सेव कर देते हैं ताकि सब कुछ सेव रहे। इसी तरीके से अभी हमें ये फॉन्ट और ये टेक्स्ट अभी करना है। अभी आप देख सकते हैं, अभी पीछे आप कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर एक बटन है जो डॉट दिख रहे हैं, 9 डॉट्स, उस पर क्लिक कीजिए। आप फिर से ये ऑप्शंस पे आ जाएंगे जहाँ से आप फिर से ऐड कर सकते हैं। फिर से हेडिंग को लेके आइए यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं ये जो हमने हेडिंग यूज़ किया इसके ऊपर ब्लू दिखा रहा है, हमें ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए। इसे थोड़ा नीचे लेके जाएंगे तो अभी इसके नीचे दिखा रहा है, मतलब ये इसके नीचे अभी आने वाला है, वैसे ही चाहिए हमें। ओके, अभी फिर से इस पर क्लिक कीजिए, टाइटल को चेंज करके जो भी आपको चाहिए वो डालिए, सेंटर अलाइनमेंट कीजिए, स्टाइल पर जाइए, फिर से इसका कलर टेक्स्ट चेंज करके वाइट कर दीजिए। कितना खूबसूरत लग रहा है, हम टाइपोग्राफी करके और भी खूबसूरत बनाएंगे इसे। साइज़ को थोड़ा बढ़ाएंगे, ये बेहतर लग रहा है। फॉन्ट फैमिली को भी चेंज करेंगे, इसे भी रोबोटो करेंगे, बट हम इसका वेट चेंज नहीं करेंगे बिकॉज हमें ये पतला चाहिए और टाइटल मोटा होता है तो ऑब्वियसली पतला ही होना चाहिए। अभी आप अगर देखेंगे तो ये दोनों के बाद थोड़ा गैप है, उसके बाद बटन्स है, तो गैप ऐड करना है। ये भी बहुत आसान है, फिर से बैक जाइए इस आइकन पे जो 9 डॉट्स वाले आइकन है ये राइट साइड पे, इस पर क्लिक कीजिए। अभी यहाँ लेफ्ट साइड से आपको ये स्पेसर दिखेगा, उसे लेके आइए और इसके नीचे डालिए। ओके, अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं 50 रहता है, आप इसे बड़ा घटा सकते हैं, आप जितना बढ़ाएंगे उतना गैप बढ़ेगा। ओके, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 50-60 के आसपास ही रखिए, वो सही रहता है, ज़्यादा गैप भी अच्छा नहीं होता। अभी हमें 2 बटन्स डालने हैं यहाँ पर। अभी तक सब कुछ सिंगल था, सिंगल लाइन में एक टेक्स्ट था, सिंगल लाइन में एक टेक्स्ट था, सिंगल लाइन में, यहाँ अभी एक लाइन में यानी एक रो में 2 बटन्स है, तो इसके लिए हमें 2 कॉलम्स भी चाहिए। बहुत आसान है वो भी, फिर से बैक जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, सबसे पहला ऑप्शन सी कॉलम का है, उसे इसके नीचे लेके आइए। ओके, यहाँ पर वो स्पेस के नीचे छोड़ दीजिए। अभी आपके पास 2 कॉलम्स है, अभी आपको जो कॉलम में जो डालना है आप कर सकते हैं। सो फिर से बैक पे जाते हैं, इस लोगो पे क्लिक करते हैं और बटन ढूंढते हैं। सो यहाँ बटन है, बटन को लेके आते हैं इस पे, फाइन, और यहाँ छोड़ देते हैं। अभी आपका बटन यहाँ आप दिखने भी लगा, बट यहाँ आप जैसा कि आप देख सकते हैं आपका बटन राइट साइड पे है यानी बीच में है। ओके, सो हम इसे राइट साइड कर देंगे ताकि ये बीच में आ जाए, और हम बटन को भी चेंज करेंगे, उसके डिज़ाइन को, उसके एनिमेशंस को चेंज करेंगे। सबसे पहले स्टाइल पे जाइए, जो भी चेंज करना है आपको। ओके, टाइपोग्राफी अगर आपको ये नहीं पसंद है, दूसरा टाइपोग्राफी चाहिए तो आप टाइपोग्राफी पे चेंज करके इससे भी रोबोटो कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। टाइपोग्राफी पे आप बेसिकली जो भी टेक्स्ट है टेक्स्ट के चेंजेस करेंगे। टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना है, जैसा कि क्लिक में लिखा हुआ है वो वाइट कलर में है, अगर आप उसे ब्लैक बनाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, मुझे वाइट ही पसंद है। ओके, बैकग्राउंड कलर पिंक है, आप उसे चेंज करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं ग्रीन करना चाह, मैंने ग्रीन कर दिया, बट ये इसे भी मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये पिंक ही रहे, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओके, अभी हम बॉर्डर रेडियस चेंज करेंगे। बॉर्डर रेडियस का माना होता है कि आपके जो कॉर्नर्स है वो मतलब थोड़े राउंड हो जाएंगे और उससे बहुत खूबसूरती आती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 10 डालिए यहाँ पर, और आप देखेंगे 10 जैसे ही डाला ये बहुत ही खूबसूरत बटन बन गया है। ओके, इनफैक्ट हमने यहाँ बॉर्डर रेडियस का शायद इस्तेमाल नहीं किया है, बट यहाँ इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत बटन लग रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर से बटन पे क्लिक करिए ताकि हम और भी चेंजेस कर सकें। अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये बटन एक्चुअली सिंपल वाइट कलर का है, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, बट जैसे ही हम अपना माउस इस पर लेके जाते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। ओके, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर कॉपी कर लेता हूँ। सो बेसिकली एक कलर कोड होता है ताकि बार बार मैं सेम कलर यूज़ कर सकूँ। जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे उसे कांस्टेंट रखिए, ये प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, कहीं पे ब्लू, कहीं पे रेड, कहीं पे ग्रीन मत इस्तेमाल कीजिए, एक कांस्टेंट कलर का इस्तेमाल कीजिए हर जगह। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने उसी कलर का इस्तेमाल किया है, यहाँ भी वही कलर है और यहाँ भी वही कलर है, सो ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे ये नॉर्मल अलग चाहिए, और जब मैं इस पर अपना माउस लेके जाऊँ, जब इस बटन पे मैं हावर करूँ तो मुझे इसकी डिज़ाइन अलग चाहिए। ओके, सो मैं इसके लिए स्टाइल पे जाऊँगा, ये नॉर्मल और हावर आपको दिखेगा, 2 ऑप्शंस। ओके, सो अभी मैं नॉर्मल पे हूँ, मुझे नॉर्मल में चाहिए कि बैकग्राउंड में कुछ भी ना हो, टेक्स्ट कलर वाइट हो, ठीक है, और चलिए देखते हैं जो भी है। सो बॉर्डर टाइप सॉलिड। ओके, सो एज यू कैन सी अभी इसके
बाहर एक सॉलिड बॉर्डर वाइट कलर का आ गया है, बहुत ही मोटा है, हमें इतना मोटा नहीं चाहिए, जस्ट वन टाइप कीजिए, विथ में वन टाइप कीजिए, जितना कम नंबर टाइप कीजिएगा उतना पतला बॉर्डर होगा। जैसे ही मैंने वन टाइप किया बहुत ही पतला हो गया और ये खूबसूरत लग रहा है, और मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। ओके सो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर पर जाऊँगा और अगर मैं वाइट सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाइट हो जाएगा, बट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप उस बटन के आर पार देख सकते हो ट्रांसपेरेंट है। तो यार दो ऑप्शन है, फर्स्ट वाले या सेकेंड वाले, आप सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाके इसे एकदम बॉटम में कर दीजिए, अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया। ओके सो ये नॉर्मल डिज़ाइन था, अभी हमें इसका हावर इफेक्ट चाहिए, सो हावर पे क्लिक कर दीजिए। अभी मैं चाहता हूँ जो भी इसके ऊपर हावर करे बैकग्राउंड कलर फिर से चेंज हो जाए, पिंक हो जाए। ओके सो मैंने सेलेक्ट कर लिया पिंक, अभी चलिए देखते हैं। अभी आप जैसे ही देख रहे हैं, जैसे ही मैं हावर कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर पिंक हो जा रहा है। तो ऐसे ईजिली आप चेंजेस करते हैं। अभी मैं फिर से मुझे एक बटन बनाना है, सो अभी आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट तो फिर से लगने वाले हैं बटन बनाने में, बट हम उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस के थ्रू हम बहुत ही आसानी से वो कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये कॉलम के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आप उस पर अपना जैसे हावर करेंगे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है डुप्लीकेट कॉलम पर क्लिक करना है, तो उसके हिसाब से आपका ये चीज़ डुप्लीकेट हो गया, आपको फिर से वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हमें इस तीसरे कॉलम की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ हावर करके एक्स कर देंगे उसे ताकि वो डिलीट हो जाए। अभी इस बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आप इस पर कुछ चेंजेस कर सके। अभी हमें ये लेफ्ट अलाइन चाहिए, ओके यहाँ पर, और अभी हमें इसे टोटली ऑपोजिट बनाना है। इसमें हमें चाहिए कि ये नॉर्मली पिंक कलर का बैकग्राउंड रहे, जैसे हम इस पर हावर करें तो ऐसा हो जाए। ओके सो स्टाइल पर जाइए, नॉर्मल इफेक्ट पर जाइए, बैकग्राउंड कलर को पिंक कर दीजिए। ओके अभी सही है, अभी हावर इफेक्ट पे जाके बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। अभी ये नॉर्मली ऐसा है, जैसे मैं हावर करूँगा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ओके इसके बाद आप कंट्रोल एस दबा दीजिए ताकि आप पूरे चेंजेस जो भी किए सब सेव हो जाए। ओके चलिए इसे अभी अंदर करते हैं और देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अभी स्टार्ट ही किया है और इतना खूबसूरत लगने लगा है हमारा वेबसाइट, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। हमें इसे और भी अच्छा, और भी प्रोफेशनल, और भी आगे सेक्शन ऐड करने, तो इसे फिर से लेके आते हैं एडिटर को। ओके चलिए देखते हैं हमारा दूसरा सेक्शन क्या है, ये हमारा फीचर सेक्शन है, तो फिर से इस पे जाइए। ओके अभी आपको फिर से ऐड न्यू सेक्शन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट है, सिर्फ अपना हेडिंग लेके जाइए, उसे ऐड न्यू सेक्शन के अंडर डाल दीजिए, अपने आप आपका हेडिंग आ जाएगा। ओके अभी हेडिंग में हमारे है व्हाई आवर प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट, सो इसे कॉपी कीजिए, यहाँ पर इसके जगह पेस्ट कर दीजिए, सेंटर अलाइन कर दीजिए ताकि ये सेंटर में आ जाए, स्टाइल पे जाइए और तमाम चीज़ें चेंज कीजिए, पहला कलर चेंज कीजिए। अभी हम इसके लिए डार्क ग्रे कलर लेंगे जो इस ये वाला ऑप्शन है, और ये बिकॉज हमारा टाइटल है हम इसे डार्क ग्रे करेंगे, और जो भी बॉडी फॉन्ट रहेगा यानी ये फॉन्ट जो भी ये बॉडी में फॉन्ट रहेगा हम इसे लाइट ग्रे करेंगे। तो जो भी कलर आप अपने टाइटल के लिए कर रहे हैं थ्रू आउट द वेबसाइट, पूरे वेबसाइट में आपके टाइटल के लिए वही कलर, वही फॉन्ट, वही साइज़ होना चाहिए, तो ही आपका वेबसाइट अच्छा लगेगा। और आप दूसरे तरीके से करेंगे तो फिर प्रोफेशनलिज्म नहीं आता है और वो ब्यूटी नहीं आती है वेबसाइट में, और डिज़ाइन और ब्यूटी ही हर कुछ है वेबसाइट में। ओके चलिए इसकी टाइपोग्राफी चेंज करते हैं, हम इसे 35 पिक्सल बना देंगे, इतना बड़ा, ठीक है। फॉन्ट फैमिली चेंज करके रोबोटो स्लैब करेंगे, ओके रोबोटो स्लैब, और इसका फॉन्ट वेट 600 करेंगे। सो ये चाहिए हमें टाइटल के लिए, तो थ्रू आउट दी वेबसाइट जब भी हम टाइटल क्रिएट करेंगे हम उसे डार्क ग्रे 35 पिक्सल्स साइज और फॉन्ट फैमिली रोबोटो स्लैब और वेट 600 ये करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन सेव। उसके बाद फिर से कुछ टेक्स्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं लॉरेम इप्सन जो डमी टेक्स्ट होती है, आप उसे कॉपी कर लीजिए या फिर आप टाइप कीजिए जो भी आपको टाइप करना है, फिर से बैक कीजिए, हेडिंग को फिर से इसके नीचे ले आइए और आपको जो भी चाहिए यहाँ टाइप कर दीजिए, बट हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा चाहिए। पहले तो इसे सेंटर अलाइन कर लेते हैं, स्टाइल पे जाते हैं। अभी टेक्स्ट कलर हमें लाइट ग्रे चाहिए, जो थर्ड ऑप्शन है, ये डार्क ग्रे है, ये लाइट ग्रे है। ओके फिर से इस पर क्लिक कीजिए। अभी हमें टाइपोग्राफी चेंज करनी है, हम इसे वो 35 था तो हम इसे नॉर्मली 18 कर सकते हैं। ओके फॉन्ट फैमिली ये रोबोटो होगा, ओके ये रोबोटो स्लैब मत सेलेक्ट कीजिए बिकॉज रोबोटो स्लैब हम सिर्फ टाइटल के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। चलिए सेव कर देते हैं।
बट आप देखेंगे अगर हमारा ये वेबसाइट, सो ये दो लाइन में है, मतलब इसके आसपास कुछ गैप है और ये दो लाइन में आ गया है, बट यहाँ चलिए फुल विथ कर देते हैं, ये अब भी एक ही लाइन में है। सो इसके लिए हमें इसके आसपास कुछ गैप ऐड करना है। ये थोड़ा एडवांस है, बहुत कुछ खास एडवांस नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। सो एडवांस पे क्लिक कीजिए। अब पैडिंग, पैडिंग एक्चुअली गैप होता है, ओके। सो आप अगर लेफ्ट पैडिंग सपोज डाल रहे हैं 10 पिक्सल्स, तो आप बोल रहे हैं कि भाई 10 पिक्सल्स लेफ्ट से छोड़ के जो भी आप, जो भी यहाँ पर डिज़ाइन है, जो भी फॉन्ट है, वहाँ से स्टार्ट करो। और राइट में अगर आप 10 पिक्सल्स डाल रहे हैं, तो आप कहना है कि लेफ्ट राइट में 10 पिक्सल्स छोड़ दो और बीच में मेरा कंटेंट डालो, ओके। सो यहाँ पर आपको पैडिंग दिखेगा, यहाँ पर टॉप राइट लेफ्ट सब है। आप राइट पे जाइए, वहाँ 100 टाइप कीजिए, ओके। जैसे ही मैंने 100 टाइप किया, आप देख सकते हैं सब में 100 टाइप हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए। सो इस, ये क्यों होता है, बिकॉज हम सबको लिंक करके रखे हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए, सब डी लिंक हो जाएगा, और ये बटन पर क्लिक कीजिए, सब डिलीट हो जाएगा। अभी हम सिंगल सिंगल कर सकते हैं। अभी राइट पर जाके 100 टाइप कीजिए, अभी लेफ्ट पर जाइए, वहाँ भी 100 टाइप कीजिए, ओके ओके। ये इतना प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज पिक्सल सेलेक्टेड नहीं है। यहाँ पर टॉप पे PX जो लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद कीजिए राइट पे 100 और लेफ्ट पे भी 100, फाइन। अभी ये दो लाइन में है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे इसके लाइन के बीच में थोड़ा हाइट भी हमें देना चाहिए, गैप देना चाहिए। यहाँ दोनों लाइनों के बीच में काफ़ी गैप है, यहाँ नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब चीज़ें बहुत छोटी आप बोलते होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी सीखे डिटेल में सीखे, अच्छा बनाना सीखे, बनाए तो अच्छा बनाए वरना ना बनाए, मेरा तो यही मानना है। स्टाइल पे जाइए, लाइन हाइट यहाँ पर है, आप यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना आप चाहे, ओके। नॉर्मली हमें 1.4-1.5 पे रखना है, सो 1.4 अच्छा लग रहा है। अभी इस पर सेव कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं आपको ये टाइटल और सबटाइटल सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी टाइटल सबटाइटल आएगा, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, बिकॉज हमें टाइम भी थोड़ा बचाना है, जितना जल्दी हो सके डिटेल में भी करना है और जल्दी भी करना है, ओके। अभी देखते हैं आगे क्या है। अभी हमें ये तीन बनाने हैं, आइकन बॉक्स बोलते हैं इसे, बिकॉज इस इधर एक आइकन है, टाइटल सबटाइटल है, ओके। उसके लिए फिर से बैक जाइए। अभी हमें आइकन बॉक्स सेलेक्ट करना है, यहाँ पर है आइकन बॉक्स, इसे लेके आइए इसके नीचे, और एक काम करते हैं, चलिए इसके नीचे लेके आइए इससे पहले, ओके या ओके, इसको डिलीट कर दीजिए बिकॉज हमें ये अलग सेक्शन में चाहिए। सो आप आइकन बॉक्स को इसके नीचे मत लाइए, ये न्यू सेक्शन जहाँ लिखा है वहाँ पर ड्रैग कीजिए, बिकॉज हमें इसे तीन डिफरेंट कॉलम्स में करना है ताकि आसानी से काम हो जाए। या फिर आप अगर सेम सेक्शन में रख, बहुत सारे वेज है करने के, अगर आप सेम सेक्शन में रखना चाहते हैं, बिकॉज सेम सेक्शन में रखने से काफ़ी आसानी होती है, मैं समझाऊंगा आपको किस टाइप की आसानी, तो चलिए वो भी सिखा देता हूँ। न्यू सेक्शन में तो ऐसा है कि आप डिफ़ॉल्ट आइकन बॉक्स को न्यू सेक्शन में लेके गए, नया सेक्शन बन गया, बट इसको अभी डिलीट कर दीजिए। अभी हमें न्यू, अगर सेम सेक्शन में वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम उसके नीचे नहीं डालेंगे वो, बिकॉज उसके नीचे तीन डिफरेंट कॉलम है, और अगर हम वो डायरेक्ट उसके नीचे डालेंगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल चलिए मैं दिखा देता हूँ, अभी इसके नीचे डाल दिया, अभी मुझे इसे तीन डिफरेंट कॉलम करना है। सो मुझे, मैं जब भी करूँगा तो सब डिफरेंट कॉलम में आ जाएगा, बट मुझे ये अलग चाहिए और ये अलग चाहिए, ओके, इसलिए मैं इसे डिलीट कर दूँगा, और मैं आइकन बॉक्स से पहले कॉलम्स ऐड करूँगा। सो कॉलम्स को लेके आइए इसके नीचे पहले, ओके, अभी सही है, अभी मैं इसमें कॉलम्स को ऐड कर सकता हूँ। अभी फिर से बैक जाइए, आइकन बॉक्स को फर्स्ट वाले कॉलम में लाइए, ओके। सो बेसिकली पहले से कुछ सेटिंग्स रहते हैं, एक आइकन, हेडिंग और कुछ पैराग्राफ रहते हैं, अभी आपको बस इसे चेंज करना है। सो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, जो भी है आप यहाँ से आइकन चूज़ कर सकते हैं अपना। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार है, चलिए कुछ दूसरा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन ले लेते हैं, ठीक है। ये अमेज़ॉन का लोगो आ गया, अमेज़ॉन का आइकन आ गया। अभी इसका डिज़ाइन चेंज करते हैं, जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, फिर बीच में लोगो है, यहाँ सिर्फ लोगो है या फिर सिर्फ आइकन है, ओके। तो इसका डिज़ाइन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐसे स्टैक कर दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने स्टैक किया चेंजेस अपने आप हो गए। अभी ये स्टैक्ड सर्कल है, स्टैक्ड में भी कुछ टाइप है, स्टैक्ड सर्कल की जगह आप स्टैक स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ओके।
अभी स्टैक्ड की जगह फ्रेम्ड भी है, फ्रेम में ये ऐसा लगेगा, सर्कल सेलेक्ट करने पे, स्क्वायर सेलेक्ट करने पे ऐसा। तो मैं एक काम करता इसमें फ्रेम रहने देता, बिकॉज यहाँ हमने स्टैक्ड सेलेक्ट किया है, यहाँ कुछ अलग सेलेक्ट करते ताकि आप देख सकते कैसा लगे, ये भी आप देख सके कैसा लगता है और ये भी। अभी चलिए इसके हेडिंग और ये फॉन्ट सेलेक्ट चेंज करते हैं। पैराग्राफ, इसका हेडिंग हमें चाहिए क्वालिटी, तो यहाँ से क्वालिटी टाइप कीजिए, यहाँ दिस इज़ हेडिंग की जगह आपका हेडिंग डाल दीजिए, ये फॉन्ट की जगह आप अपना फॉन्ट यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो आपका फॉन्ट भी आ गया, आपका हेडिंग भी आ गया। अभी चलिए कुछ चेंजेस करते हैं। सो स्टाइल पे जाइए, अभी मान के चलिए आपको इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा चाहिए या फिर छोटा चाहिए, तो आप यहाँ से उसे कर सकते हैं। ओके, जो भी साइज़ चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं उसे, फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए इसे 43 पे रखते हैं। ओके, और आपको अभी फॉन्ट चेंज करना है तो नीचे जाइए, ये सब आइकन्स के सेटिंग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सब अंडर आइकन्स है। हमें कंटेंट चाहिए तो लास्ट वाला कंटेंट है, कंटेंट को ओपन कीजिए, टाइटल सब टाइटल जो भी है सब आपको मिल जाएगा, अलाइनमेंट पहले से सेंटर है। ओके, टाइटल, सो टाइटल का कलर आपको क्या चाहिए, आप जैसे जानते हैं टाइटल का कलर हमने डिसाइड किया है डार्क ग्रे, सो यहाँ से डार्क ग्रे सेलेक्ट कीजिए। ओके, और टाइपोग्राफी ओपन कीजिए। ओके, इसका जो भी आप साइज रखना चाहते हैं इसे 18 कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली रोबोटो स्लैब रहेगा बिकॉज हमारा टाइटल, जो भी आप रख सकते हैं, मेरा मैं ये नहीं बोल रहा आप रोबोटो स्लैब ही रखिए या फिर कोई फॉन्ट रखिए, जो भी फॉन्ट रखिए टाइटल में उसे कांस्टेंट रखिए थ्रू आउट द वेबसाइट। ओके, सो हमने इसे 18 कर लिया है तो इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके, सो कंटेंट में जाइए, ये है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्ट जो दो लाइन है ये डिस्क्रिप्शन से आपकी। सो यहाँ पर पहले कलर सेलेक्ट कीजिए लाइट ग्रे, अभी टाइपोग्राफी ऑन करके हम इसे साइज़ को थोड़ा छोटा कर देते हैं, वो 18 था तो इसे हम 14 कर देते हैं। ओके, 14 कर दीजिए, फॉन्ट फैमिली अपना रोबोटो सेलेक्ट कर लीजिए, फाइन, अभी ठीक है, अभी सब ठीक है, अभी सेव कर दीजिए। अभी हम काम करते हैं इसे कॉपी कर लेते हैं, सो इसे कॉपी कर लीजिए, एक और बार कॉपी कर लीजिए, अभी हमें चार नहीं चाहिए तो हम लास्ट वाले को डिलीट कर देंगे। ओके, सो एक ही को बनाए हमने और दो को कॉपी कर लिया, हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। अभी इस पर क्लिक कीजिए, अभी आपको जो भी आइकन चाहिए सेम उसी तरह आप आइकन सेलेक्ट करके एम्बुलेंस ले लीजिए, यहाँ पर कलर सेलेक्ट चेंज करना है, जो भी चेंज करना है सेम उसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस दबा के अपने कीवर्ड पे कीबोर्ड पे। अभी अगला सेक्शन देखते हैं, बट उससे पहले आप देखेंगे यहाँ अच्छा खासा गैप है, नीचे भी कुछ गैप है, बट यहाँ पर ऊपर कुछ भी गैप नहीं है, नीचे भी कुछ गैप नहीं है, तो चलिए कुछ गैप ऐड करते हैं। इसके लिए आपको ये सेक्शन, इसीलिए हमने एक सेक्शन रखा था ताकि गैप ऐड करने में आसानी रहे। ओके, सो इस पर क्लिक कीजिए ब्लू सेक्शन पे और एडवांस पे जाइए। ओके, अब पैडिंग फिर से हमें ऐड करना है, इस बार हमें टॉप और बॉटम पैडिंग ऐड करना है बिकॉज हमें टॉप और बॉटम में थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए। सबसे पहले तो आप इसे डी लिंक कर लीजिए, इस पर क्लिक कर लीजिए, टॉप पैडिंग हमें चाहिए 100 पिक्सल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं 100 पिक्सल्स का गैप आ गया टॉप पे, और बॉटम में भी थोड़ा सा चाहिए, सो 50 टाइप कर लीजिए, 50 पिक्सल्स। ओके, अभी ठीक लग रहा है, सेव कीजिए। अभी तीसरा सेक्शन देखते हैं, तीसरा सेक्शन हमारा ये है फुल विथ इमेज के साथ, बैकग्राउंड में फुल विथ इमेज है और कुछ टेक्स्ट है और इमेजेस है। सो बेसिकली इसका भी डिज़ाइन सेम होगा, इसी तरह हम पहले बैकग्राउंड में इमेज डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे, बट यहाँ पर दो कॉलम्स बनाने हैं हमें, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। फिर से ये पेज पे आइए, ओके, बैक जाइए, टेक्स्ट को लाइए, हेडिंग को न्यू सेक्शन में लाइए। ओके, हेडिंग आ गया, सबसे पहले फिर से हम बैकग्राउंड इमेज ऐड कर लेंगे ताकि सब कुछ साफ साफ नज़र आए। सो इस पर क्लिक कीजिए, सेक्शन इमेज सेक्शन सेटिंग पे, स्टाइल पे जाइए, बैकग्राउंड में क्लासिक सेलेक्ट कीजिए, सेम उसी तरह इमेज सेलेक्ट कीजिए, अभी अपलोड इमेज कर दीजिए और ये इमेज भी आपको वो फाइल में मिल जाएगी। ओके, सो लोड हो रहा है ये इमेज, जैसे ही लोड हो जाएगा हमें इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करना है, उसके बाद ये इमेज बैकग्राउंड में आ जाएगा। ओके, और ये इमेज हम इसे फुल साइज़ नहीं करेंगे, हम हाइट को फुल फिट टू स्क्रीन नहीं करेंगे, बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इसे दूसरे तरीके से कैसे हाइट अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं ऊपर से नीचे से। ओके,
सबसे पहले, बट हम एक काम ज़रूर करेंगे, हम इसमें ओवरले ऐड कर देंगे ताकि हम देख सकें ऊपर की हेडिंग क्या है, जैसा हमने पहले किया था। बैकग्राउंड टाइप कीजिए, ओके, कलर सेलेक्ट कीजिए ब्लैक। अगर आप ग्रीन ओवरले करना चाहते हैं ग्रीन ओवरले भी कर सकते हैं, ओके, ब्लू ओवरले करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मैं ब्लैक प्रेफर करता हूँ, ब्लैक कीजिए, सेव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अभी हमें ये टेक्स्ट सबको ठीक करना है, तो आप अपने हेडिंग पे क्लिक कीजिए। अभी आपको ये सब सेटिंग्स करने हैं। सबसे पहले हम अपना टाइटल डाल देते हैं, कॉपी कीजिए यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए अपना टाइटल। हमें ये लेफ़्ट अलाइन चाहिए तो इसे सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टाइल पे जाइए, कलर अभी हम डार्क ग्रे नहीं रखेंगे, हम वाइट रखेंगे बिकॉज बैकग्राउंड यहाँ पर डार्क है, ओके, सो वो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। बैकग्राउंड डार्क है तो ये हमारा फॉन्ट, हमारा टेक्स्ट जो भी है वो लाइट कलर होना चाहिए, सो हम इसे वाइट कर देंगे। ओके, एज़ यू कैन सी अभी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे वो फॉन्ट दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। अभी टाइपोग्राफी को ऑन कीजिए, और हमारा टेक्स्ट टाइटल था 35, जो हमारा साइज था टाइटल का। फॉन्ट फैमिली था रोबोटो स्लैब, सो रोबोटो स्लैब सेलेक्ट कर लीजिए, और फॉन्ट वेट था 600। ओके, फाइन, अभी ठीक लग रहा है। अभी इसके नीचे आप देखेंगे थोड़ा सा गैप है, तो मैंने आपको एक तरीका दिखाया गैप ऐड करने का, पहले आप स्पेसर के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं, मैं अभी दूसरा तरीका सिखाऊंगा, ताकि आपको मेन मेरा मकसद है ताकि आप सीख जाएं इसे इस्तेमाल करना आपको आ जाए। ठीक है, उससे पहले हम पहले ये फॉन्ट भी ऐड कर लेते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर से हेडिंग को लाइए, अभी इसके नीचे डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, स्टाइल पे जाइए, कलर वाइट, फाइन, टाइपोग्राफी इसका साइज 14 पिक्सल्स कर दीजिए, फॉन्ट फैमिली रोबोटो, वेट ठीक है, बट हमें इसके लाइन के बीच में थोड़ा हाइट दे देना चाहिए ताकि वो बेहतर लगे, इतना कंजेस्टेड ना लगे, सो 1.5 डाल दीजिए, बेहतर लग रहा है। ठीक है, सेव कीजिए, और कुछ बाकी है, नहीं बाकी है, तो अभी काम करते हैं, हम इसे दो कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। सो फिर से कॉलम के साइड में हावर कीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और प्लस पे दबा दीजिए ताकि एक नया कॉलम बन जाए। ठीक है, अभी आप एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया, यहाँ से हमने कॉपी किया सब कुछ, यहाँ पर तो दो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ है, बीच में गैप है, बट यहाँ पर सब एक सिंगल पैराग्राफ में आ गया। चलिए कॉन्टेंट पर जाते हैं, कंटेंट पर क्लिक कीजिए, यहाँ भी ठीक है, यहाँ पर तो बीच में पैराग्राफ दिखा रहा है, गैप दिखा रहा है, बट यहाँ नहीं है, बिकॉज हमें इसके लिए एक सिंपल सा HTML टैग टाइप करना है। उसके लिए आप अपना शिफ्ट बटन दबाइए और ये एरो डालिए, ओके, लेफ्ट एरो, फिर टाइप कीजिए स्लैश दबाइए, ओके, लेफ्ट एरो स्लैश, उसके बाद BR, फिर राइट एरो, ओके, जैसे आप ये करेंगे एक लाइन नीचे आ जाएगा। अभी हमें फिर से एक लाइन नीचे करना है ताकि एक लाइन का गैप आ जाए, फिर से हम ये कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब भी बहुत बेहतर लग रहा है पहले से। अभी चलिए इस इमेज को ऐड करते हैं, बहुत ही आसान है, फिर से बैक पे जाइए, अभी इमेज को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी रिक्वेस्ट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अभी चूज़ योर इमेज पे क्लिक करके अपलोड इमेज करके सेलेक्ट फाइल्स कीजिए, और ये वाला इमेज भी आपको मिल जाएगा, सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। फाइन, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने दीजिए, लगता है हो चुका है। इंसर्ट मीडिया पे क्लिक कीजिए और आपका इमेज यहाँ पर शो करेगा, लोड हो रहा है वो, टेंशन मत लीजिए, ओके, अभी ये शो कर रहा है। अभी चलिए थोड़ा गैपिंग का देख लेते हैं ताकि हमारे वेबसाइट में खूबसूरती आए। सो, सबसे पहले ऊपर और नीचे गैप ऐड करना है, तो उसके लिए हम फिर से सेक्शन के थ्रू करेंगे। सो, सेक्शन पे क्लिक कीजिए, एडवांस पे जाइए, डी लिंक कीजिए, सेम उसी तरह पैडिंग टॉप 100 कर दीजिए, पैडिंग बॉटम जितना आपको करना है, 60 करना है, 30 करना है, जितना करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जितना आपको सही लगता है। ठीक है, मैंने पैडिंग टॉप 100, पैडिंग बॉटम 60 कर दिया। अभी यहाँ पर इसके बीच में भी हमें थोड़ा गैप ऐड करना है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया स्पेसर के थ्रू, दूसरा तरीका है आप अपने हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए, और इसमें भी आप सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस पे जाइए और आपको बॉटम में यानी नीचे कुछ गैप ऐड करना है, तो आप बॉटम में जाके 30 पिक्सल टाइप कीजिए, बॉटम में 30 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा, सेव कर दीजिए। सो, दोनों तरीके आपको जो बेहतर लगे वो करिए।
ओके सो इसी तरीके से हमने अपना थर्ड सेक्शन भी इतनी आसानी से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए अभी हम अपना फोर्थ सेक्शन बनाते हैं। फिर से बैक जाइए, हेडिंग को यहाँ पर लाइए। अभी मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा बिकॉज मैं बार बार वही चीज़ें इतना डिटेल में नहीं बता सकता, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपने पहले वो चीज़ सीख लिया और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, मैं फिर से बार बार वही सिखाऊँ। ओके इस पर क्लिक कीजिए, हेडिंग आपको जो भी चाहिए, मीट आर टीम चाहिए, सेलेक्ट कर लीजिए, सेंटर अलाइन, स्टाइल, कलर डार्क ग्रे, टाइपोग्राफी 35 पिक्सल्स, फॉन्ट फैमिली रोबोटो स्लैब, वेट 600, फाइन, क्लिक ऑन सेव। अभी देखते हैं हमारे को ये चाहिए जो टू लाइंस है, ये टू लाइंस को कॉपी कर लीजिए, जो भी करना है वो कीजिए। फिर से बैक पे जाइए, इसके नीचे हेडिंग को लाइए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, सेंटर अलाइन कीजिए, स्टाइल पे जाके इसे लाइट ग्रे कलर कर दीजिए, टाइपोग्राफी पे इसे चेंज कीजिए 18 बिकॉज ऊपर भी हमने 18 रखा है, फॉन्ट फैमिली को रोबोटो कर दीजिए। अभी एडवांस पे जाके हमें बोथ साइड्स में थोड़ा गैप ऐड करना है, जैसे हमने ऊपर किया था, तो यहाँ पर 100 पिक्सल्स राइट, 100 पिक्सल्स लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। और ओके फाइन, चलिए आप इसमें परसेंटेज के हिसाब से भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। इनफैक्ट मैं आपको चाहूँगा कि परसेंटेज यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फॉर एग्जांपल 10% फ्रॉम राइट और 10% फ्रॉम लेफ्ट। तो परसेंटेज यूज़ करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको मोबाइल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मुझे दिखाने दीजिए, बॉटम में यहाँ पर ये डेस्कटॉप का आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए, मोबाइल सेलेक्ट कीजिए। अभी आप देख सकते हैं मोबाइल में ये चीज़ बिल्कुल बेहतरीन लग रही है, बट आप ऊपर जाइए और यहाँ भी हमने वही चीज़ किया है, बट यहाँ पर हमने 100 पिक्सल्स बोथ साइड किया है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप आ गया है, बिकॉज ये 100 पिक्सल्स मोबाइल के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बट यहाँ पर बिकॉज हमने परसेंटेज किया है तो मोबाइल पर भी 10% हुआ अपने हिसाब से, और PC के हिसाब से 10% जो भी होगा उस हिसाब से वो हो जाएगा। ओके सो परसेंटेज यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, जो भी परसेंटेज चाहिए आपको। सो डेस्कटॉप पे फिर से क्लिक करते तो आप परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्सल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अभी थोड़ा गैप ऐड कर देते लाइन के बीच में, तो चलिए इसे 1.4 कर देते हैं, अभी बेहतर लग रहा है। सेव पे क्लिक कर दीजिए। अभी ये मेरा फेवरेट सेक्शन है बिकॉज ये बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है, चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें दो कॉलम्स चाहिए यहाँ पर, सो हम क्या करेंगे, हम नया सेक्शन बनाएंगे, उसमें दो कॉलम्स को ऐड करेंगे। फाइन, हमारे पास अभी दो कॉलम्स है। अभी इसके अंदर हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक कॉलम है, उसके अंदर दो कॉलम है, और यहाँ पर हमें दो कॉलम चाहिए, यहाँ दो कॉलम चाहिए, तो इस अंदर वाले कॉलम को +1 कर दीजिए, ओके, और एक और बार कर दीजिए। तो यहाँ पर सिंगल कॉलम के अंदर आपके पास यहाँ दो कॉलम, यहाँ दो कॉलम हो गए, ओके। सो बेसिकली हमें चार कॉलम्स चाहिए, सो कॉपी करके आप चार इसे बना सकते हैं। चलिए अभी वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ये इमेज है, बहुत ही खूबसूरत इमेज है, हमने इसे डिज़ाइन भी दिया है, एनिमेशन भी दिया है, चलिए सब देखते हैं। ओके, मैंने एनिमेशन, अच्छा हुआ एनिमेशन से याद आया, मैं हमेशा ये चीज़ भूल जाता हूँ, मैंने एनिमेशन करना नहीं सिखाया इस वीडियो, इस सेक्शन में अभी मैं आपको एनिमेशन भी सिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले हमें इमेज चाहिए, तो हम इमेज को यहाँ पर लेके आएंगे, इस कॉलम के अंदर जो भी इमेज चाहिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए, फर्स्ट वाला है, ओपन कीजिए, इंसर्ट मीडिया कीजिए। ओके, हमारा इमेज आ गया। अभी जैसे मैंने आपको बताया, हमें ये कॉर्नर्स शार्प नहीं चाहिए, राउंडेड चाहिए, सो स्टाइल पे जाइए। ओके, बॉर्डर रेडियस में 10 टाइप कीजिए, जैसे ही आप देखेंगे 10 टाइप कर, हमारा सब कॉर्नर्स थोड़ा सा राउंड हो गया, अगर आप और बढ़ाएंगे और राउंड होएगा, फॉर एग्जांपल 50 कीजिए, आप देख सकते हैं और राउंड हो गया। चलिए 50 रहने देते हैं इस ट्यूटोरियल के लिए, बिकॉज यहाँ 10 यूज़ कर चुके हैं, थोड़ा कुछ अलग करते हैं, ठीक है। अभी हमें इससे शैडो भी देना है, तो यहाँ उसके नीचे आप देखेंगे बॉक्स शैडो, उसे यस कर दीजिए, फाइन। अभी आप शैडो का जो भी कलर यूज़ करना चाहें, ग्रे पे है, मैं ग्रे ही यूज़ किया हूँ, और आप ब्लर जितना इंक्रीज़ करेंगे, आप अपने वीडियो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्लर उतना ज़्यादा हो रहा है, और जितना ज़्यादा स्प्रेड करना चाहेंगे तो हम बोलते हैं इंग्लिश में प्ले अराउंड विद इट, आप इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या, मतलब क्या आपके लिए काम करता है, आप इसके डायरेक्शन को भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेंज कर सकते हैं। ओके फाइन,
मेरे ख्याल से इसी टाइप का मैंने बनाया है यहाँ पर, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कुछ चेंजेस, कुछ चीज़ें डाल के अलग ही लुक आ जाता है इसमें। ओके, अब इसमें हम एनिमेशन भी ऐड करते हैं, और एनिमेशन आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप जी जहाँ जहाँ मैंने दिखाया आप सब जगह एनिमेशन से ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। एडवांस पे जाइए, एंट्रेंस एनिमेशन। ओके, एंट्रेंस एनिमेशन पे क्लिक कीजिए, कोई भी सिलेक्ट करीजिए, फॉर एग्जाम्पल वॉबल। जैसे आप देख सकते हैं अब ये वॉबल एनिमेशन हो गया। आप एनिमेशन की स्पीड बढ़ा घटा भी सकते हैं, नॉर्मल पे रहता है नॉर्मली, आप फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ओके फाइन, एनिमेशन बचा था, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, इस पर याद था, सेव कीजिए। फाइन, सो ये इमेज हो गया। अभी ये चीज़ें यहाँ पर ऐड करते हैं। सबसे पहले है एक हेडिंग, फिर हेडिंग, और उसके बाद ये टेक्स्ट, फिर ये सोशल आइकन्स। सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं, फिर से बैक जाइए, हेडिंग को अभी इस कॉलम में लाइए, छोड़ दीजिए। जो भी आपको हेडिंग चाहिए, बंदे का नाम पता नहीं क्या है, जो भी है डाल दीजिए। ओके, और हमें इसे लेफ़्ट अलाइन ही रहने देना है। स्टाइल पे जाइए, कलर चेंज कीजिए, डार्क ग्रे कलर, टाइपोग्राफी 18 पिक्सल्स, फॉन्ट फैमिली, बिकॉज ये हेडिंग है तो हम इसे रोबोटो स्लैप करेंगे, और इसका फॉन्ट वेट 600 कर देंगे। फाइन, सेव कीजिए, फिर से बैक जाइए, हेडिंग को लाइए, बिकॉज अभी हमें CEO टाइप करना है। ओके, इसके नीचे हमें लाना है इसे, हेडिंग के नीचे। जैसी हेडिंग के नीचे ब्लू लाइन आ जाएगा, आप इसे छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पर आपको जो भी टाइप करना है, CEO की जगह आप मैनेजर टाइप करना चाहते हैं तो आप मैनेजर टाइप कर दीजिए, आई एम सॉरी। फाइन, और इसे इसका कलर भी आप डार्क ग्रे रख सकते हैं। टाइपोग्राफी में अगर वो 18 था तो आप इसे 16 बना सकते हैं। वेट 500, लुक्स बेटर, सेव कर दीजिए। अब ये सिंपल टेक्स्ट को भी ऐड कर देते हैं, कॉपी कर लीजिए, फिर से बैक जाइए, लेके आइए इसे यहाँ पर, और मैनेजर के नीचे छोड़ दीजिए। अभी अपना टाइटल यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। स्टाइल पे जाइए, इसे हम लाइट ग्रे कलर करेंगे, और इसे 14 पिक्सल्स करेंगे। ओके, बिकॉज ये छोटा है, स्मॉल है। रोबोटो करेंगे, रोबोटो बेसिकली इसका, इस थीम का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, तो अगर आपको रोबोटो करना है तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ये रोबोटो ही है। ओके, लाइन हाइट चलिए ये कर देते हैं 1 पॉइंट, ओके सॉरी, लाइन हाइट इसका 1.4 कर दीजिए, सेव कीजिए। अभी हमें सोशल आइकन्स डालना है, तो फिर से बैक कीजिए और सोशल आइकन्स को सर्च कीजिए। यहाँ है सोशल आइकन्स, ओके, यहाँ उसके नीचे डाल दीजिए इसे, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा लगेगा। अभी आपको सपोज़ आपका फेसबुक लिंक चेंज करना है, तो आप फेसबुक सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ पर अपना लिंक डाल दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फेसबुक लिंक है facebook.com/realnayyar, आई गेस यही है। ओके, ट्विटर का भी वही है twitter.com/realnayyar, और गूगल प्लस का पता नहीं भाई कौन यूज़ करता है उसे। अगर आपको न्यू आइटम्स ऐड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम के आप महारथी हैं, ओके, सो हिंदी में है तो कुछ वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे ऐसे खतरनाक, सो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड आइटम, और इंस्टेड ऑफ वर्डप्रेस आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए इंस्टाग्राम। ओके, इंस्टाग्राम सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका लिंक है उसे डालिए। एक और ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल और क्या हो सकता है, और क्या लोग यूज़ करते हैं, टम्बलर, साउंड क्लाउड, जो भी है साउंड क्लाउड को ले लेते हैं इस बार। फाइन, तो ऐसा है, और आप देखेंगे यहाँ पर तो डिज़ाइन थोड़ा अलग है। ओके, मुझे क्लिक नहीं करना था उस पर, सर्कल है यहाँ पर थोड़ा अलग है, साइज़ भी बड़ी है, तो चलिए इसकी थोड़ा डिज़ाइनिंग चेंज करते हैं। पहले इसे लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं, बिकॉज हर चीज़ लेफ़्ट अलाइंड है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये राउंडेड है, सर्कल करिएगा तो मेरे जैसा हो जाएगा, ये जैसा डिज़ाइन मेरे साइट पे है। स्टाइल पे जाके आप साइज़ के साथ चेंजेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 15 पिक्सल्स एंड दिस लुक्स मच बेटर, सो 15 पिक्सल्स अच्छा लग रहा है। ओके फाइन, नाउ क्लिक ऑन सेव, सेव पे क्लिक कर दीजिए और सब कुछ सेव हो जाएगा। अभी फिर से मुझे नहीं बनाना है भाई, ओके, सो आई विल डिलीट ऑल दिस थिंग्स, हम इसे डिलीट कर देंगे और इस चीज़ को फिर से हम कॉपी कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट इसे ही कॉपी कर सकते हैं। ओके, जैसा आपने देखा, जैसे ही मैंने डायरेक्ट मेन कॉलम को सर कॉपी किया, फिर से ये आ गया, और फिर से मुझे इसे कॉपी करना है, मैं पूरा सेक्शन ही कॉपी कर लूँगा। ओके, सो अभी मैं ये ब्लू सेक्शन कॉपी कर लूँगा,
और फिर से मेरे पास ये आ जाएगा। फाइन, अभी मुझे सिर्फ चेंजेस करने, इमेज पे क्लिक करो, इमेज पे जो भी नया इमेज चाहिए उसे सेलेक्ट करो और हो जाएगा इजीली। इंसर्ट मीडिया करो, जो भी आपको चेंज करना है आप यहाँ से अभी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। सेम चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ आपको फिर से बार बार बताऊँ। ओके, अभी चलिए थोड़ा गैपिंग देख लेते हैं। सो फिर से ये टॉप सेक्शन सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ थ्री डिफरेंट सेक्शंस है, ओके, तो ध्यान रखिए। एडवांस पे जाइए, डी लिंक कीजिए इसे, पैडिंग टॉप 100 पिक्सल्स कर देते हैं। ओके, पैडिंग बॉटम, अभी पैडिंग बॉटम ये नहीं है, ओके, बिकॉज़ ये सेक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं जितना ब्लू सेक्शन सेलेक्टेड है वही है, तो इसके नीचे यहाँ पर गैप होएगा, तो हमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं चाहिए, तो जस्ट टाइप इन 30, इतना गैप काफ़ी है। अभी हम इस सेक्शन के दोनों के बीच में थोड़ा गैप डालना चाहते हैं, तो वी विल सेलेक्ट सेकेंड सेक्शन। एडवांस पे जाइए, टी लिंक कीजिए और बॉटम में मे बी 50 पिक्सल्स, हाँ 50 पिक्सल्स सही है, सेव कर दीजिए। फाइन, सो ये जो मेरा फेवरेट सेक्शन था ये भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, टेस्टिमोनियल्स और व्हाट आर क्लाइंट्स से सेक्शन। ओके, सो पहले कॉपी कर लेते हैं इस टाइटल को, फिर से यहाँ ये बैक जाइए, ओके, इसे लेके आइए न्यू सेक्शन में। ओके, लेट मी स्क्रॉल डाउन, पहले इसे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, हेडिंग को लेके आइए यहाँ पर, टाइप कीजिए अपना हेडिंग जो भी आपको चाहिए, सेंटर अलाइन कर दीजिए, स्टाइल पे जाके कलर डार्क ग्रे कर दीजिए, टाइपोग्राफी 35 पिक्सल्स बिकॉज हमने 35 रखा है, रोबोटो स्लैब 600 वेट। फाइन, सेव कर दीजिए, बैक जाइए। ओके, फिर से हेडिंग को इसके नीचे लेके आइए और जो भी आपको टाइप करना है, कॉपी करना है, जो भी करना है आप पेस्ट कर सकते हैं, सेंटर अलाइन करके, कलर इसका लाइट ग्रे बिकॉज हम बार बार लाइट ग्रे ले रहे हैं, फॉन्ट 18 पिक्सल्स, और फैमिली फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट रोबोटो ही है, अगर आपको दूसरा चाहिए तो आप वो चेंज कर सकते हैं। 1.5 लाइन हाइट, एडवांस में जाके हमें पैडिंग राइट एंड लेफ्ट करना है, सो हम इस बार भी परसेंटेज यूज़ करेंगे ताकि हमें काम बार बार ना करना पड़े। 10% फ्रॉम राइट, 10% फ्रॉम लेफ्ट, ओके, सेव कर दीजिए इसे। अभी हमें ये चेंजेस करने, ये भी बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है, आपको लगता होगा ये एक्चुअली राउंड इमेज है, नहीं ये सर जो नॉर्मल स्क्वायर इमेज रहता है, बट मैं एक सिंगल सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसे राउंड, सर्कल, जो भी जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं। ओके, फिर से बैक कीजिए, फिर से अभी हमें चाहिए 3 डिफरेंट कॉलम्स, सो यहाँ से कॉलम्स लीजिए, इसके नीचे डालिए, ओके, यहाँ पर, ठीक है। अभी पहले कॉलम में सबसे पहले इमेज है, तो इमेज को लेके आइए, छोड़िए यहाँ पर, सेलेक्ट कीजिए इमेज, जो भी इमेज चाहिए, ये इमेज है हमारी, इसे सेलेक्ट करके ओपन कीजिए, ऐड मीडिया कीजिए। फाइन, सेंटर अलाइन सही है। अभी क्या चाहिए हमें, हमें पहले हम इस इमेज के साथ खेल लेते हैं। स्टाइल पे जाइए, इसके साइज़ को चेंज कीजिए, बहुत बड़ा है ये, ओके, फाइन, 40 रखते हैं इसे। अभी हमें इसे सर्कल बनाना है, तो आप नीचे जाइए, बॉर्डर रेडियस पे जाइए, अभी डी लिंक मत कीजिए बिकॉज हमें सर्कल रेडियस ऑलरेडी सेम चाहिए, और यहाँ 200 पिक्सल्स टाइप कीजिए, और आप देख सकते हैं सर्कल हो गया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा अलग, कुछ अलग करना है आपको, बॉटम को डिलीट कर दीजिए, अभी एक अलग ही शेप हो गया। और अगर आप राइट को या फिर लेफ्ट को जो भी टॉप का चाहिए आपको, जो भी आप चाह रहे हैं उसे डिलीट कर देंगे तो ये अलग ही शेप हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं, बट ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, इसीलिए मैं 200 सबको कर दूंगा ताकि ये कंप्लीट सर्कल लगे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साइज़ को शायद थोड़ा और छोटा करना चाहिए, 31, 30। अभी हमें ये टाइटल चाहिए, तो फिर से हम बैक जाएंगे, हेडिंग इसके नीचे डालेंगे, पेस्ट करेंगे अपना हेडिंग, सेंटर अलाइन, डार्क ग्रे कलर लाइक ऑलवेज, टाइपोग्राफी 18 पिक्सल्स, रोबोटो स्लैब फॉन्ट फैमिली, फाइन, वेट 600,
अभी आप फिर से बैक जाइए, हेडिंग लेके आइए यहाँ पर। अभी जो दूसरा हेडिंग है बिजनेस ओनर, ओके, सो ये आपका कोई क्लाइंट है जो ये बिजनेस ओनर है, ये आपके लिए टेस्टिमोनियल दे रहा है कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, सो आप इसके साथ काम कर सकते हैं। ओके, सो 18 था तो इसे 16 या फिर 14 आप कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जैसा मैंने आपको बताया पहले सिर्फ बोटो है। वेट आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा इसे 500 कर दीजिए, लुक्स बेटर, ठीक है। अभी लास्ट में इसे ऐड कर देते हैं सिंपल टेक्स्ट। फिर से बैक जाइए, फिर से हेडलाइन हेडिंग को लेके आइए, एट द बॉटम पेस्ट कर दीजिए इसे, सेंटर अलाइन, स्टाइल लाइट ग्रे कलर, टाइपोग्राफी 14 पिक्सल्स, बिकॉज 18, 16, 14, ओके। लाइन हाइट थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 1.5 में भी, फाइन। अभी एडवांस पे जाइए, ओके, एडवांस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, इतना कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसे दो बार फिर से कॉपी कर देंगे और लास्ट वाले को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसके चेंजेस कर सकते हैं, इमेज पे क्लिक करके इमेज चेंज कर सकते हैं, इसे चेंज करना है इस पे, जिस पे जो भी चेंज करना है उस पे क्लिक कीजिए, बस यहाँ से चेंज कर दीजिए, एवरीथिंग इज़ सो सिंपल, ओके। अभी चलिए हम अपना लास्ट सेक्शन, इस पेज का लास्ट सेक्शन बनाते हैं, और जैसे ये पेज कंप्लीट हो जाएगा आगे का काम और भी आसान है। आपको ये भी नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इम्पोर्ट करना है और चेंजेस करने हैं, सो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते, बट मेरा ये मानना है कि आपको ये करने आना चाहिए, मतलब जो मैं अभी सिखा रहा हूँ उसके बाद ही आप इम्पोर्ट करके चेंजेस कर सकेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं, अभी लास्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ भी पहले टेक्स्ट है तो हम पहले टेक्स्ट को यहाँ पर लेके आएंगे, और सबसे पहले हम इसे एक बैकग्राउंड इमेज दे देंगे, वो इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, हमने यूज़ भी कर चुके हैं। इमेज पे क्लिक कीजिए, ये इमेज है, इंसर्ट मीडिया, इसे पहले ही ओवरले दे देते हैं ताकि ये डार्क लगे, ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिए, फाइन। अभी हेडिंग पे क्लिक कीजिए, जो भी आपको चाहिए, गेट इन टच टाइप कीजिए, यहाँ गेट इन टच, लेफ्ट अलाइन, फाइन, स्टाइल कलर वाइट, टाइपोग्राफी 35, फॉन्ट फैमिली रोबोटो स्लैब, फॉन्ट वेट 600, फाइन। अभी इसे ऐड कर लेते हैं, ये सिंपल जो टेक्स्ट है। फिर से बैक जाएंगे, हेडिंग को यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर वो फॉन्ट टाइप करेंगे, स्टाइल वाइट कलर, टाइपोग्राफी में भी 18 पिक्सल्स, फाइन। एंड देन वील पुट लाइन हाइट, इसका 1.4 डाल देते हैं, ओके ओके फाइन, सेव कर दीजिए। अभी हमें इसके नीचे दो कॉलम्स चाहिए, क्यों? बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट कॉलम है और ये राइट कॉलम है, लेफ्ट कॉलम में एक आइकन है, राइट कॉलम में कुछ टेक्स्ट है, ओके, सो वेरी इजी। फिर से पीछे जाइए, कॉलम्स को लेके आइए, इसके नीचे डाल दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मैंने कहा आइकन है, सिंपल आइकन, सो आप यहाँ से आइकन सेलेक्ट कीजिए, फर्स्ट कॉलम में लाइए, जो भी आइकन चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल एड्रेस बुक सेलेक्ट कर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैक मार्कर है, आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, MAP टाइप कीजिएगा तो मैप, मैप मार्कर, मैप पिन, जो भी चाहिए, मैप साइन, ये मैप साइन है, ओके, मैप मार्कर चाहिए हमें, तो हम फिर से मैप साइन, मैप मार्कर सेलेक्ट करेंगे, ओके। और आप इसे थोड़ा यहाँ पर भी इसका डायमेंशन, इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं, बिकॉज हमें आइकन के लिए कम साइज़ चाहिए और इसके टेक्स्ट के लिए ज़्यादा साइज़ चाहिए, तो टेक्स्ट को अभी कॉपी कर लीजिए, ओके, और यहाँ पर बैक कीजिए, हेडिंग करके इस कॉलम में टेक्स्ट को लाइए, फाइन। अपना टेक्स्ट पेस्ट कीजिए, और इस सेंटर अलाइन नहीं है, लेफ्ट अलाइन है, सो फाइन, कलर वाइट कर दीजिए, टाइपोग्राफी 18 पिक्सल्स, फाइन, और इसका वेट बढ़ा दीजिए 2, 4, 5 और 600, 500 बेटर है, ओके 500। उसके बाद अभी ये इस टेक्स्ट को कॉपी कर लीजिए,
ओके, फिर से पीछे जाके हेडिंग इसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। फाइन, अभी यहाँ फिर से मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ, यहाँ फिर से हमें वो सिंपल सा कोड यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आप देख सकते हैं सब कुछ सिंगल लाइन में हमने पेस्ट किया, यहाँ तो अलग लाइन दिख रहे हैं बट यहाँ पर सब सिंगल लाइन में। तो फिर से उस सिंपल सा कोड, ये लेफ्ट एरो स्लैश बी आर राइट एरो, ओके नेक्स्ट लाइन में आ गया। फिर से इसे कॉपी कर दीजिए छोटे से कोड को और हर लाइन के बाद में डाल दीजिए। अभी ये बेटर लग रहा है। स्टाइल पे जाइए, टाइपोग्राफी इसे 14 बना दीजिए, लाइन हाइट थोड़ी ऐड कर दीजिए ताकि इसके बीच में थोड़ी गैप आ जाए। अभी ये बेटर लग रहा है। इसे इसके लोगों को कलर के चेंज कर देते हैं वाइट पे। सो लोगो पे क्लिक कीजिए, आइकन पे, स्टाइल पे जाइए, प्राइमरी कलर सेलेक्ट कीजिए, वाइट कर दीजिए, हो गया, सेव कर दीजिए। फाइन, अभी हमें एक दूसरा कॉलम बनाना है। सो हम यहाँ पर हावर करेंगे और प्लस दबा देंगे, इससे एक दूसरा कॉलम बन जाएगा इजीली। सेव कर दीजिए। अभी हमें यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना है, बट आपको कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, ये सब पहले से क्रिएटेड है। आप फिर से एक काम कीजिए, इसे कट कीजिए, आपको एक नया टैब ओपन कीजिए, आपका वेब एड्रेस डालिए, मेरा है एस्टिया जो भी है, आपका जो डोमेन नेम है ओके वो डालिए और स्लैश /wp-admin टाइप कीजिए, यानी आपको आपके डैशबोर्ड पे आना है ओके। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये मिलेगा पायरेट फॉर्म्स, क्लिक ऑन पायरेट फॉर्म्स। यहाँ पर आपको एक छोटा सा शॉर्ट कोड मिलेगा, पायरेट फॉर्म्स रहेगा ब्रैकेट के अंदर, उसे कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर आइए अपने जहाँ हम क्रिएट कर रहे हैं साइट, फिर से गो बैक, यहाँ से आप इस बार टेक्स्ट और HTML कहाँ है, ये टेक्स्ट एडिटर सेलेक्ट कीजिए, उसे इसके अंडर में लाइए। फाइन, अब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में अभी विजुअल्स रहता है नॉर्मली, आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, सब यहाँ से डिलीट करके जो कोड आपने यहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फाइन, और यहाँ पर आपके सब चेंजेस सेव हो जाएंगे। सबसे पहले आप ऑप्शंस पे जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। फाइन, ताकि आपको जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ से मैसेजेस आए आपके इस ईमेल एड्रेस पे मिल जाए। और भी यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, आपको अगर सब्जेक्ट को रिक्वायर्ड करना है या फिर डू नॉट डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले बट नॉट रिक्वायर्ड, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको रिकैप्चा चाहिए या फिर नहीं चाहिए तो नो रिकैप्चा, फील्ड लेबल्स, ओके जो भी चेंजेस करना है, बेसिक चेंजेस है आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्म आ गया, फॉर्म नहीं दिख रहा है आपको, मैं बताऊँगा क्यों नहीं दिख रहा है और कब कैसे दिखेगा। सबसे पहले फिर से बैक कीजिए और एक हेडिंग लाइए, ओके बिकॉज इस फॉर्म के ऊपर एक हेडिंग है, ये अलग से है, हम डिज़ाइन का यूज़ करके CSS का यूज़ करके इसे इतना खूबसूरत बना रहे, नहीं तो इतना भद्दा रहता है, ये बैकग्राउंड कुछ भी नहीं रहता है और ऐसा लिखा हुआ होता है। ओके, सो यहाँ से आप हेडिंग लाइए और इस फॉर्म के ऊपर डाल दीजिए। फाइन, अभी इसमें आपको टाइप करना है, ओके डू नॉट रिलोड, सबसे पहले कॉन्टैक्ट अस टाइप कीजिए यहाँ पर, सेंटर अलाइन स्टाइल, ये हमें वाइट चाहिए, सो वाइट, टाइपोग्राफी 35, फॉन्ट वेट 600। फाइन, ओके रोबोटो स्लैब अच्छा लग रहा है। फाइन, अभी आपको एडवांस पे जाना है, क्यों मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज यहाँ आप देखेंगे इसके अराउंड में ये बैकग्राउंड कलर है, हमें वो बैकग्राउंड कलर डालना है यहाँ। ओके, सो आप नीचे जाइए, ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे क्लिक करके नॉर्मल पे, क्लासिक पे जाइए, कलर सेलेक्ट कीजिए, मुझे कलर कोड जो भी आपका है पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। बट यहाँ आप देखेंगे बहुत ही पतला लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी मोटा है, ऊपर और नीचे अच्छा गैप है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो हम ये भी कर देते हैं, हम फिर से ऊपर जाइए, एलिमेंट स्टाइल पे क्लिक कीजिए, पैडिंग टॉप और बॉटम ऐड कर दीजिए, मे बी 20 pixels टॉप और बॉटम, अभी ये खूबसूरत लग रहा है। फाइन, सेव पे क्लिक कीजिए और अभी आप अपने फॉर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे फॉर्म यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा, तो घबराइए मत, फॉर्म पे क्लिक कीजिए, जैसा मैंने बोला फॉर्म अभी नहीं दिख रहा है आपको। स्टाइल पे जाइए, ओके फॉन्ट कलर ठीक है, एडवांस पे जाइए, इसका भी बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर क्लासिक कलर वाइट, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म का बैकग्राउंड कलर वाइट है, यहाँ भी वाइट हो चुका है
और हमें पैडिंग ऐड करना है। पैडिंग क्या होता है, चलिए इस पर से क्लिक हटाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही कम गैप है सब साइड्स में, हमें सब साइड्स में थोड़ा गैप चाहिए टॉप बॉटम यू नो साइड्स में, ताकि ये सब साइड से थोड़ा गैप आ जाए और हमारा फॉर्म बीच में आके थोड़ा खूबसूरत लगे। ओके सो फिर से फॉर्म पे क्लिक कीजिए, एडवांस पे जाइए और अब ये डीलिंक करने की ज़रूरत नहीं है, 20 पिक्सल्स टाइप कर दीजिए। ओके जैसा आप देख सकते हैं सब साइड से 20 पिक्सल्स का गैप आ गया, फॉर्म बीच में आ गया, खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, बट आप अगर देखेंगे डेमो वेबसाइट बहुत खूबसूरत लग रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है, बोथ द सेक्शंस आर अटैच टू ईच अदर, दोनों सेक्शंस अपने में अटैच्ड है। सो हम वो करेंगे, उसके लिए भी एक सिंपल सा मेथड है, फिर से फॉर्म को क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, हेडिंग को भी। मैं फॉर्म को क्लिक करके दिखाता हूँ, मार्जिन टॉप पे जाइए और 30 पिक्सल्स टाइप कीजिए। ओके सॉरी, पहले डीलिंग कर लीजिए। ओके मार्जिन टॉप पे जाके 30 पिक्सल्स कीजिए और 30 पिक्सल्स के आगे माइनस डाल दीजिए। जैसे आपने देखा माइनस डाले, ये चीज़ ऊपर चला गया। अगर आपको 30 नहीं चाहिए तो 20 टाइप कर दीजिए, ये भी खूबसूरत लग रहा है। बस ये दोनों अटैच होना चाहिए। ओके सेव कर दीजिए। ओके और फाइनली इसके भी ऊपर नीचे गैप ऐड कर देते हैं। सो इसे सेलेक्ट कीजिए, सेक्शन को एडवांस, पैडिंग, डीलिंग, टॉप 80 पिक्सल्स, बॉटम जो भी आप चाहे, जितना भी गैप, ज़रूरी नहीं है जितना मैं डाल रहा हूँ उतना ही डालें, जितना गैप आपको लगता है सही होगा उतना डाल दीजिए। फाइन सो इसके साथ हमने अपना कंप्लीट कर लिया। यहाँ भी थोड़ी गैप की ज़रूरत है, ये सब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सो इसके साथ हमारा कंप्लीट हो चुका है मेन पेज, होम पेज। अभी मैं आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा अबाउट अस सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने का, जो है बहुत ही अच्छे खूबसूरत सेम इसी तरह, बट इसे भी हम जिस तरह होम पेज को बनाया वैसा बनाने जाएंगे तो और 2-4 घंटे लग जाएंगे। सो हमें वो नहीं चाहिए, हमें अपना टाइम बचाना है। आप सीख चुके हैं कैसा बनाना है, अभी मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाता हूँ। ओके उसके लिए पहले हम इसको हटाते हैं, इस सबको कट कीजिए, अपने मेन वेबसाइट पर जाइए। ओके ये आपका मेन वेबसाइट है, इतना खूबसूरत लग रहा है अभी। ओके एनिमेशंस भी सब चल रहे हैं। फाइन अभी हम पहले एक मेन्यू भी ऐड कर देते हैं, कुछ पेजेस भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके तो आप अपने डैशबोर्ड पे जाइए और पेजेस पे हावर कीजिए और ऐड न्यू कीजिए। ओके तो हम जो बाकी के पेजेस है उसे भी ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी पेज बनाइए, अबाउट अस बनाते हैं, टाइप कीजिए अबाउट अस, सॉरी यहाँ से फिर से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की जगह पेज बिल्डर फुल विथ सेलेक्ट करके पब्लिश कर दीजिए। फिर से ऐड न्यू कीजिए बिकॉज हमें कुछ और पेजेस बनाने हैं। अभी सर्विसेज पेज बनाइए, SER, फाइन। यहाँ से फिर से पेज बिल्डर फुल विथ पब्लिश, अभी फिर से एक नया पेज ऐड कीजिए, फाइनल पेज कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड करना है अभी हमें। टाइप कीजिए कॉन्टैक्ट अस, डिफॉल्ट टेम्पलेट की जगह पेज बिल्डर फुल विथ, पब्लिश कर दीजिए इसे। फाइन सो हमारे तमाम हमने जो भी बनाने थे हमें सब पेजेस बना लिए हमने। अभी हमें ये मेन्यू ऐड करना है, जैसे आप टॉप पे देख सकते हैं। उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में अपीयरेंसेस मिलेगा, उसे हावर करके मेन्यूज पे क्लिक कीजिए। अभी हमें एक नया मेन्यू बनाना है, इसे कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं बेसिकली हमेशा मेन मेन्यू नाम देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये मेन मेन्यू है, बिकॉज इस वेबसाइट में तो नहीं। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखेंगे इंग्लिश में जो है, जो मेरे इंग्लिश चैनल पर है, उसमें मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स बनाए। और नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट पर बहुत सारे मेन्यूज़ यूज़ होते हैं, लेफ्ट मेन्यू, बॉटम मेन्यू, सो नाम देना बेहतर होता है ताकि आप समझ सके और आपको पता चल जाए कौन सा मेन्यू है। ओके सो अभी हमें इस पर ये सब पेजेस चाहिए, होम पेज सब पेजेस चाहिए। सो आप सब पेजेस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, अंडर पेजेस आपको सब मिल जाएंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको तमाम पेजेस मिल जाएंगे। ओके सबको सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपको ऊपर चाहिए ऊपर सेलेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉन्टैक्ट अस लास्ट में चाहिए, इसे लास्ट में लेके आ जाइए इजीली। होम पेज का नाम चेंज करके जस्ट होम डाल दीजिए यहाँ पर, फाइन। और फाइनली प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक कीजिए। अगर आप ये क्लिक नहीं करेंगे
तो आपका मेन्यू यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर टिक कर दीजिए प्राइमरी मेन्यू को, क्लिक ऑन सेव मेन्यू, आई बैक टू आपके अपने होम पेज पे आइए, रिफ्रेश कीजिए और अभी आपको आपका मेन्यू दिखेगा। फाइन, सो मेन्यू इज़ कम्प्लीट। अभी चलिए हम देखते हैं कि नए पेजेस कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने आपको पहले बोला था लेआउट्स डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है, बेसिकली पब्लिक इसका भी चार्ज करती है $10-$20, अराउंड 1000 रुपीज़ इंडियन में देखा जाए तो 1000 रुपये एक लेआउट का, बट मैंने आपको फ्री में दिया हूँ, सो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेआउट डाउनलोड कर लिया होगा आपने मेरे वेबसाइट से, तो अभी आप एलिमेंटोर पे फिर से हावर कीजिए और माई लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए। ओके, अभी इम्पोर्ट टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिए, चूज़ फाइल, और ऐसा लेआउट का फाइल रहेगा आपका जिप फाइल, उसे आप अनजिप करेंगे तो ऐसा मिलेगा चार डिफरेंट फाइल्स। अभी वन बाय वन आपको सबको इम्पोर्ट करना है, सेलेक्ट कीजिए, इम्पोर्ट नाउ पे क्लिक कीजिए और कुछ सेकेंड्स में इम्पोर्ट हो जाएगा, बिकॉज छोटे छोटे फाइल्स हैं, बहुत बड़े फाइल्स नहीं हैं। बट इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको आपका टाइम भी बचेगा और इसमें इमेजेस प्री लोडेड है, सो जिस आपको फिर से इमेज कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इमेज भी सब पहले से रहेंगे, आपको सिर्फ वहाँ पर चेंजेस करने हैं। ओके, इमेज चेंज करना है तो इमेज चेंज कर दीजिए जैसा मैंने आपको सिखाया होम पेज में। ओके ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है, और इसी तरह बाकी लेआउट्स को भी सेव कर लीजिए, इम्पोर्ट कर लीजिए। जब आपके तमाम लेआउट्स इम्पोर्ट हो जाएंगे तो ऐसा दिखेगा। अभी हम इसको यूज़ करके बिना कोई पेज क्रिएट किए बहुत ही आसानी से हमारा वेबसाइट आगे बढ़ा सकते हैं, तो चलिए पेजेस पे क्लिक करते हैं ताकि वन बाय वन हम दूसरे पेजेस पे काम कर सके। तो हमने अबाउट इस पेज बनाया था, तो एडिट पे क्लिक कीजिए, एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक कीजिए। अभी फिर से आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड न्यू सेक्शन, फिर हेडिंग, फिर ये, फिर फलाना ढिमाका। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपली ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद माई टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ आपको तमाम जो भी आपने इम्पोर्ट किए टेम्पलेट्स दिख जाएंगे। ये हमारा अबाउट अस पेज है, तो अबाउट टेम्पलेट को इंसर्ट कर दीजिए। और जैसे ही आपको करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें आपकी पीछे आ चुकी है। आई थिंक इमेजेस डाउनलोड नहीं हुआ है, बल्कि मैंने लास्ट टाइम जब किया था सब सक्सेसफुली हो गया था। अभी लास्ट टाइम मैंने दूसरा होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ किया था, इस टाइम मैंने दूसरा होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ किया हो, तो शायद वो एक मसला हो सकता है। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि ये जो भी इमेजेस गायब है मैं आपको वो भी सब सप्लाई कर सकूँ, जो आप वो आप फाइल डाउनलोड करेंगे इमेजेस फाइल, जिप फाइल, उसमें मैं कोशिश करूँगा ये सब फाइल्स भी, ये सब इमेजेस भी डालने की। ओके, सो बेसिकली आपने इजीली क्रिएट कर लिया जो भी इमेज चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप इमेज नहीं भी है तो आप वो इमेज सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और वो इमेज यहाँ आ जाएगा। और इसे अगर जिस तरह हमने देखा पहले ही, अगर इसे सर्कल बनाना है तो 200 डालिए, ये सर्कल भी बन जाएगा। जब आप रेडी हो जाएंगे तो जस्ट क्लिक ऑन सेव और आपके तमाम चेंजेस सेव हो जाएंगे। फाइन, अभी आपको फिर से डैशबोर्ड पे जाना है। इसके साथ हमने अबाउट अस पेज कंप्लीट कर लिया विद इन 2 सेकेंड्स और विद इन 5 सेकेंड्स एटलीस्ट। ओके, उसके बाद अभी हमको फिर से पेजेस पे क्लिक करना है और इसी तरीके से हमें करना है। अबाउट अस कंप्लीट हो गया, चलिए अभी कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट करते हैं, एडिट विद एलिमेंटोर। फिर से ऐड टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, माय टेम्पलेट, यह है अबाउट अस आई गेस, तो अबाउट अस पे क्लिक कीजिए, अबाउट पे। ओके, सो इसी तरह आपका अबाउट अस पेज भी टोटली कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ है। मैंने फिर से अबाउट अस तो नहीं कर दिया, ओके सॉरी, अबाउट अस नहीं, कॉन्टैक्ट अस करना था, आई एम सॉरी। ओके, सो एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस कर दीजिए, सब कुछ फिर से डिलीट हो जाएगा। ओके, सो आपको एक एक करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल जेड बेसिकली अंडू के लिए होता है, मतलब आपने जो किया है आप फिर आप उसे नहीं करना चाहते, उसे डिली वो प्रोसेस को डिलीट करना चाहते। ठीक है, ऐड टेम्पलेट कीजिए, माई टेम्पलेट, और कॉन्टैक्ट को इंसर्ट कीजिए। ठीक है, फाइन, अभी हमारा कॉन्टैक्ट पेज रेडी है।
सब एनिमेशन सब कुछ है, सिर्फ इमेजेस नहीं है, आप इमेजेस इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंसर्ट कर सकते हैं। सेव कर दीजिए इसे, अगेन डैशबोर्ड पे आइए और लास्ट पेज जो सर्विसेज पेज है उसे भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके पेजेस सर्विसेज, आप ये सैम्पल पेज डिलीट कर सकते हैं बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे एक सैम्पल पेज रहता है। सर्विसेज पे जाके एडिट कीजिए, एडिट विथ एलिमेंटोर, फिर से ऐड टेम्पलेट, माई टेम्पलेट्स और इस बार सर्विसेज को इंसर्ट कीजिए। फाइन, आपके सर्विसेज भी सब अवेलेबल है, सिर्फ इमेजेस नहीं है जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली इमेजेस भी डाउनलोड होने चाहिए, कुछ तो प्रॉब्लम है बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने इंग्लिश में ये वीडियो बनाया मैं होस्टक्रिएटर नहीं मैं TMD होस्टिंग यूज़ कर रहा था, उसमें वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैंने सोचा इसमें थोड़ा अच्छा वाला और थोड़ा सस्ता वाला भी यूज़ कर लिया जाए ताकि आपका काम भी हो जाए और आपके पैसे भी बच जाए। ओके तो आप अगर TMD यूज़ करना चाहते हैं TMD भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें सब इमेजेस भी इंपोर्ट हो गए थे, इसमें पता नहीं क्यों नहीं हुए बट नो प्रॉब्लम्स, आप इजीली इसे यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी इमेजेस चाहिए। ओके इसे भी सेव कर दीजिए। फाइन, उसके बाद अपने वेबसाइट पे क्लिक कीजिए। चलिए हम अपने वेबसाइट को देख लेते एक बार फाइनल। ओके तो ये हमारा है होम पेज, अबाउट अस पेज पे अबाउट अस दिखाना चाहिए। ओके फाइन दिखा रहा है, मतलब सब सही है। ओके अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, मैं वो भी आपको बता दूँ। जैसा कि वो सब पेजेस पे नहीं आएंगे आपको, अबाउट अस सर्विसेज कॉन्टैक्ट अस पेजेस पे, बट होम पेज पे शायद वो प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपको क्या करना है पहले मुझे दिखाने दीजिए। ओके एडिट विथ एलिमेंटोर पे क्लिक कीजिए। हम इसे मोबाइल फ्रेंडली बनाना चाहते हैं बिकॉज नॉर्मली जब आप क्रिएट करेंगे अपना वेबसाइट आप एक्सपीरियंस करेंगे 70% ऑफ द यूजर्स आपको मोबाइल से मिलेंगे। ओके सो वी हैव टू, हमें इस हिसाब से करना है अपना, सो हमें अपना वेबसाइट इस हिसाब से करना है कि मोबाइल फ्रेंडली हो, कोई भी साइज़ के मोबाइल पे देखे उसे अच्छे से दिख सके। अभी आप यहाँ पर बॉटम में डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे और वहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट करेंगे सो आपको दिखेगा कि आपका वेबसाइट मोबाइल में कैसा दिख रहा है। सो हमें अपना वेबसाइट मोबाइल में इतना भद्दा नहीं चाहिए बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत बड़ा मोबाइल के हिसाब से हमारा टाइटल बहुत बड़ा है, हमें इसे छोटा करना होगा। सो इसे क्लिक कीजिए, फाइन स्टाइल पर जाइए और यहाँ भी आप देखेंगे अभी सब जगह मोबाइल सेलेक्टेड है ब्लू आइकन। ओके तो अभी इस हिसाब से हमें साइज़ एडजस्ट करना है। अभी आप ऐसा ये साइज़ एडजस्ट करेंगे अभी मोबाइल पे ये साइज़ दिखेगा, इसका भी साइज़ हमें छोटा करना है। फिर से स्टाइल पे जाइए, इसे भी छोटा कर दीजिए, फाइन अभी इसे क्लिक कीजिए, इसे अभी हम सेंटर अलाइन कर देंगे, इसे भी सेंटर अलाइन कर देंगे, फाइन और ये गैप हमें मोबाइल पे इसको हम एकदम ज़ीरो कर देंगे, फाइन को डायरेक्ट ज़ीरो कर दीजिए, मोबाइल पे गैप की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, फाइन सेव कर दीजिए। सो ये सिर्फ मोबाइल के लिए, अभी फिर से आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे यहाँ से सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे, तो आप देखेंगे कोई चेंजेस नहीं हुआ। सो आप मोबाइल के लिए एक अलग टाइप का वेबसाइट, थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंजेस ताकि आपके विजिटर्स जो मोबाइल पे आए उन्हें भी मोबाइल के हिसाब से दिखे। यहाँ भी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया पिक्सल्स का हमने यूज़ किया है उसके लिए। सो आप एडवांस पे जाके अगर आप इसे टोटली ज़ीरो भी कर देंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा जैसा आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर आप फिर से डेस्कटॉप पे जाइए वहाँ पर सेम है अभी भी वो है। सो बहुत ही यूज़फुल प्लगइन है, बहुत ही यूज़फुल थिंग है ये। सो बेसिकली आप देख लीजिए कि मोबाइल पे तमाम चीज़ें आपके अच्छे से दिखे, टैबलेट का भी देख लीजिए ताकि जो आपके विजिटर्स आए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके फाइन गाइस, सो इतना ही था इस ट्यूटोरियल में, आई होप आप सबको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा इससे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूज़फुल लगा, ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप ज़रूर ज़रूर लाइक बटन को क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें अगर आपको और वीडियोस चाहिए हिंदी में या नहीं, बिकॉज मेरा इंग्लिश चैनल अच्छा खासा चल रहा है, बट रिक्वेस्ट ऑन ऑल्सो बिकॉज मैं भी चाहता हूँ कि ठीक है यार चलो हिंदी में भी बना लेते थोड़ा और एक्सपैंड हो जाएगा। सो इफ़ यू गाइस नीड सम मोर, अगर आपको थोड़ा और हिंदी ट्यूटोरियल्स चाहिए और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपर्पज़ वेबसाइट, मार्केट प्लेसेस,
ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, बिजनेस वेबसाइट्स, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स लाइक फेसबुक एंड सो ऑन, इस टाइप के भी अगर आपको ट्यूटोरियल्स वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा वो सब भी हिंदी में ज़रूर बनाऊँ. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.